तो देखो बहुत मजा आएगा, लोग खुश हो गए, अरे पनिश किए नहीं, डायरेक्ट क्लास चालू कर दे। इसका भी रीजन बताऊंगा बेटे, 2 मिनट वेट कर। अब कॉपी किताब बंद करें, अगले 1 घंटे तक अपने आप को डुबा दें, क्योंकि बहुत अमेजिंग चैप्टर है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत छोटा चैप्टर है ये, वो चैप्टर है जो छोटा है, बोलते हैं ना छोटा बम बड़ा धमाका, कॉम्पिटिटिव परस्पेक्टिव से और एकेडमिक परस्पेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसको समझा दें, नहीं तो मैं बाहर कर दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा भाई। मैं एकदम शांत रहने बोल रहा हूँ, गिनती लगा रहा हूँ, तो ऑफिस भेजूंगा, आराम से बैठ गिनते रहेगा। ठीक है, समझा दे उसको। तो अपना भाई ये करके, तो क्या सोच रहा तब से वे, छी गंदा आदमी, बंद कर कॉपी, ध्यान लगा बोर्ड पे। और तुम ना ये सब मत दिया करो, हर जगह तुमको वो दिखाई देता है क्या। चलो देखो, ध्यान से समझो, कुछ कहने जा रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर तुम लोगों ने अभी अपना कौन सा देखा होगा, जो पेपर आया ना, सैंपल पेपर में देखा होगा, 18 सिर्फ क्या 18 के आसपास सिर्फ न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल इस चैप्टर से बहुत आता है और बहुत अमेजिंग चैप्टर है। ये चैप्टर जितना अच्छे से क्लियर होगा, अगला चैप्टर भी उतने अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि कुछ कुछ बैक EMF वगैरह वगैरह बच्चा पढ़ता ही नहीं है उसके बारे में, और अपना तो एसेशन रीजंस हो गया, केस स्टडी में बेसिस में दे देता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो थोड़ा पकड़ बनाओ, मजा आएगा। डेली के डेली लिख के लाना, आज जो बताऊंगा और पहले वाला भी चेक करूंगा बंदे का, पहले का टॉपिक खत्म करके फिर भेजता हूँ उसको, तब मजा आएगा उसको। ठीक है, तो बात उन दिनों की है बेटे। सिलेबस में क्या, ये इसका सिलेबस है, इतनी चीज़ें हमको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, तो बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता चला जाता हूँ। एक बार एक नज़र हम देख भी लेते हैं जब भी हम सिलेबस पढ़ते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 6 स्टार्ट हुआ है। कौन सा चैप्टर 6 स्टार्ट हुआ, 6, और विद इन अ वीक, मेरे को लग नहीं रहा कि वीक एंड तक जाएगा, उससे पहले पहले खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, रीज़न यहाँ पे बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हम इसके थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है, इसका बिहेवियर कैसा है, वो तो हम बहुत स्टडी करेंगे। साथ में फैराडे अंकल के बहुत सारे रूल्स हैं, फैराडे अंकल ने इसमें क्या ऑब्जर्वेशन किया था, साथ में एक और साइंटिस्ट थे लेंच, वो लोग क्या ऑब्जर्वेशन किए थे, उसके बारे में थोड़ा डेप्थ में अपन स्टडी करेंगे। इसके बाद आता है इंड्यूस्ड EMF के बारे में, कि EMF कैसे इंड्यूस होता है, वो जो इंड्यूस्ड EMF तो उसका डायरेक्शन कैसा होता है, ये सब चीज़ के बारे में हम बात करने के बाद लास्ट एंड फाइनल हम इंड्यूस करंट के बारे में बात करेंगे। लास्ट एंड फाइनल लेंज लॉ पढ़ोगे, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसमें जो छोटा बम और बड़ा धमाका है वो ये दोनों इसलिए बड़ा धमाका है क्योंकि ये लॉ तो बताएगा साथ में इसके एप्लीकेशंस भी हैं। क्या है एप्लीकेशन, जैसे गॉसेस थ्योरम पढ़े थे तो गॉसेस थ्योरम के उसके एप्लीकेशंस भी थे, तो वैसे ही इसके भी क्या है एप्लीकेशंस है। तो उस एप्लीकेशंस को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। यहां तक मेरी बात समझ में आ गया, तो स्टार्टिंग से करता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। कहां से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। चलो कुछ बातें हम करते हैं उससे पहले। ठीक, अब बात स्टार्ट करता हूं। एक साइंटिस्ट था ओस्टेड, 1820 वाला याद होगा, और साथ में एम्पियर उसका सगा भाई। ठीक है, वो दोनों मिलके क्या ऑब्जर्व किए थे, सिंपल सा सोचना, वो दोनों ये ऑब्जर्व किए थे कि भैया अगर कोई कंडक्टर वायर है, उस कंडक्टर वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है, मतलब चार्ज दौड़ रहा है। करंट कब फ्लो होता है, जब चार्ज दौड़ता है। जब चार्ज दौड़ रहा है तो हम क्या देखते हैं कि वो अपने सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मतलब चार्ज के मूव करने से एक वायर क्या किया, फील्ड मूव किया कि नहीं किया। तो ये दुनिया, ये जो पूरा यूनिवर्स है, क्या किस पे डिपेंडेंट है, नेचर किस पे डिपेंड, नेचर लव सिमेट्रिक, नेचर किस पे डिपेंड है, सिमेट्रिक पे। पूछ कैसे, अब दीवार में भी जैसे क्लास छुट्टी होगा ना, मेरे इस बिल्डिंग को कुछ नहीं करना, बाहर सामने हमने जो दीवार वाल मिलेगा ऐसा ऐसा जाना, धड़ाम से टकराना, देखना दीवार गड्ढा हो जाएगा, तुमको कुछ भी खरोच नहीं आएगा, तुम देखना। फिर थोड़ी देर के बाद यहां से सिंदूर टपकेगा तुम्हारा, ठीक है, वो खुशी का होगा। ठीक, उसको मत देख, जहां वो मुंह खोला, कॉपी चेक करूंगा, बाहर कर दूंगा उसको, इसलिए मुंह नहीं खोलेगा वो आज। ठीक, समझ में आया। तो नेचर लव सिमेट्री का मतलब, भैया मैं जितना उसको दूंगा बदले में वो भी मेरे को देगा, नहीं बात सही बात गलत बात, अरे दीदी मैं सर ऐसे फोड़ेगा भाई, तो जितना ये दीवार को दिया, दीवार उसके बदले में क्या देगा, कुछ तो देगा, सिंदूर देगा ना। तो इसको बोलते हैं नेचर लव्स सिमेट्री। तो सारे फिजिसिस्ट जो थे, सारे वैज्ञानिक जो थे, साइंटिस्ट लोग थे, वो ये चीज जानते थे कि भैया अगर ये ऐसा हो रहा तो वैसा भी होगा, पानी अगर गर्म से ठंडा हो रहा तो ठंडे से गर्म भी हो सकता है, नेचर लव्स सिमेट्री का वो 2-3 आइडिया उसके दिमाग में आ रहा, लेकिन अपने आप को कंट्रोल बांध के रखा, बोल नहीं पाएगा। पूछ क्यों, मुंह खोला, कॉपी चेक किया, फिर बाहर
रिज्यूम, समझा? तो उसके दिमाग में भी आ गए, बादल बन गए, मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे से, कि अगर पेपर कागज बना तो कागज पेपर बनेगा, बहुत सारी चीज़ें इसके दिमाग में आता, छोड़ दे वैसे ही आदमी है, तो मैं उसके बाद पे भी छेड़ नहीं रहा उस पर। तो ये बात समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ। तो साइंटिस्ट लोगों को क्या लगा, भैया चार्ज दौड़ रहा है तो करंट बना, सॉरी चार्ज दौड़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बना, तो मैग्नेटिक फील्ड दौड़ने से क्या करंट बनेगा? मतलब मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं क्या कर दूँ, कहीं पर चेंज कर दूँ, यहाँ पर चार्ज फ्लो रहा है, चार्ज का जो फ्लो है स्टेडी भी हो सकता है और डायनेमिक भी, मतलब चेंज भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। तो अगर चार्ज के मूव करने से अगर मैग्नेटिक फील्ड बना है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इंड्यूस क्या हुआ, पैदा क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड दिए क्या? चार्ज। क्या ऐसा हो सकता है क्या, हम देंगे मैग्नेटिक फील्ड और पैदा क्या हो जाए? चार्ज। ऐसा दिमाग में लगा, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में लगा, ठीक। तो उसी के बेस्ड पूरा का पूरा सिस्टम आज पढ़ने वाले हो, ठीक। वो दो साइंटिस्ट थे जिनके दिमाग में ज़्यादातर लगा, वो था फेराडे और लेंज। कौन थे? फेराडे और लेंज। तो देखते हैं, स्टेटमेंट को समझते हैं। ओस्टेड अपने जो बताया वही चीज़ लिख के दे रहा हूँ ना, ठीक है। ओस्टेड एंड एम्पियर एंड फ्यू अदर्स एस्टैब्लिश द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर इंटर रिलेटेड। दोनों एक दूसरे से क्या है? इंटर रिलेटेड है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक बनेगा, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ क्या बन सकता है? ऐसा लगा कि भाई इंटर रिलेटेड का मतलब क्या है, दोनों रिलेट कर रहे हैं ना, अगर ये नहीं तो ये, तो ये, तो ये भी करेगा, ऐसा इनको लगा। तो आगे चल के जो साइंटिस्ट लोग थे, दे फाउंड द मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस कर रहा है? चार्ज मूव कर रहा है तो करंट हुआ, करंट अपने सराउंडिंग क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो आगे चल के जैसे एग्जांपल इसका बता देना, एन इलेक्ट्रिक करंट डिफ्लेक्ट द मैग्नेटिक कंपास, पढ़े हैं ना कि एक वायर लिए, वायर के बाजू में, वायर में करंट को फ्लो किए और उसके बाजू में अगर एक मैग्नेटिक कंपास को लेके जाते, कंपास क्या होता है? ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट करना चालू करता करता। तो ये उसके एग्जाम्पल थे। तो लोगों को लगा, लोग परेशान हो गए, ये लड़का बहुत परेशान था, कि लगा कि क्या अगर चार्ज को दौड़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है तो भैया क्या ऐसा हो सकता है? कैन मूविंग मैग्नेट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड? चार्ज मूव किया, क्या पैदा किया? अब मैग्नेट मूव करूंगा तो क्या बनना चाहिए? बंदे को ऐसा लगा, इसको लगा, और जब इसको इसका आंसर मिल गया तो खुश होकर क्या बन गया, देख लो, यस कर सकते हैं भाई, चेंज हो गया, चेहरे पे स्माइल तो देखो सेम, बस मुंह चटाने की देरी है, ठीक है, चलो ठीक है, खुश हो जाता है अपने आप को देख के, कभी भी सेम नाक नक्स, इस घर 15 दांत बाहर दिखा दो, देख सेम, अभी ये दिखा दो, अभी कॉपी चेक करवाई इसका, ठीक। तो यस, मतलब क्या समझ में आया, मूविंग चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो मूविंग मैग्नेट भी क्या बना सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, ठीक। तो द एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को दो लोगों ने बहुत शिद्दत से किया था, माइकल फेराडे और हेनरी। कौन किया था? माइकल फेराडे और हेनरी। और इस चीज को, इसको क्या क्या उन्होंने एस्टेब्लिश किया, कैसे क्या क्यों किया, वो सारी चीजों को मैं भी बताने वाला हूं, ठीक है। द इलेक्ट्रिक करंट वायर इंड्यूस द क्लोज कॉइल में, सारी चीज को भी प्रूफ भी करूंगा, आपको लिखना भी है ना दीदी इसके बारे में, जब आपको आएगा ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में कुछ, तो आपको सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द फिनोमिना एसोसिएटेड विद द चार्जिंग विद द चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड एंड अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स, जो उनसे रिलेटेड करते जितने भी प्रिंसिपल्स आएगा सबको हम क्या करेंगे यहाँ पे पढ़ने वाले। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, बहुत छोटा चैप्टर है, विद इन अ वीक वाला चैप्टर है, ठीक है। मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, सब चीज़ें वही चीज़ें लिखा हुआ, कोई नया नहीं है। और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, वही वही चीज़ें हैं, लेकिन आपको लिखना अच्छे से। इस बार वो वाला बादल हटा दिया हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि PDF मिलेगा, क्योंकि लोग मिलने के बाद भी लिख के नहीं लाते हैं, तो ठीक है आप कर लेना। अब तक बात आपको समझ में आ गया, क्या समझ में आया कि भैया सबसे पहले कौन बताया था? ओस्टेड और एम्पियर ने बता दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है? इंटर रिलेटेड है, ठीक। तो आगे चल के कौन? माइकल फेराडे और हेनरी। लेंज भी इसी कैटेगरी में आएगा अभी आगे, हाँ। तो ये दोनों ने क्या किया, एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया इनके बीच कि कैसा करता और क्यों करता है। तो इसको मैं दो एक्सपेरिमेंट बेसिस समझाऊंगा, और जिनको एक ही बार में एक्सपेरिमेंट समझ में आ जाएगा वो अपने हाथ ऊपर कर लेना, और जो हाथ नीचे रहेगा उसका मैं कॉपी चेक करूंगा।
ये तुम मेरे को याद दिलाना, ठीक? तो समझ में आ गया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, प्लीज रेज योर हैंड। किसी एक को आया भाई, इस हफ्ते बिल्कुल चेक नहीं होगा तेरा कॉपी। और कितने लोगों को समझ में आ गया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट? तेरे को तो 9-11 बजे तक वैसे ही बैठेगा भाई तू, ठीक है? तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखना, ठीक है? इस एक्सपेरिमेंट को मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करता हूँ, प्लीज पे मोर अटेंशन, मजा आ जाएगा और पूरा करके भी दिखाऊंगा, एनिमेशन भी दिखाऊंगा, ठीक है? इसने क्या किया कि भैया अभी यहां पे कॉइल रखा, क्या रखा? कॉइल, ऐसे ये कॉइल है। अब यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा दिए। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है कि भैया अगर थोड़ा सा माइनर करंट भी अगर फ्लो हुआ ना तो उसको क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा। सिंपल सी बात है यार, इसमें कहीं पे बैटरी है क्या? मैं बोलूंगा बिना बैटरी के बल्ब जला के दिखाओ तो हंसोगे, नहीं हंसेगा? मैं बोलूंगा बिना बैटरी के गाना बजा के दिखाओ, हंसोगे नहीं हंसोगे? उसको छोड़ दे, वो तो वैसे ही फंसता रहता है, तो उसको मत देखा कर, मेरी आंखें उस तर जाती है तो फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ फिर मैं, ठीक है भाई? सब चंदा करो, एक बुरखा खरीद लो, पहनाओ उसको। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, हमको क्या समझ में आया कि भैया एक कॉइल है, मतलब हम क्या किए, कॉपर के इंसुलेटेड वायर को लिए बहुत सारा, उसको ऐसे करके क्या कर दिए, एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिए। गैल्वेनोमीटर में सेम आप कैसा ऐसा निडल रहेगा, और निडल किसको इंडिकेट कर रहा है? जीरो को इंडिकेट कर रहा, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, ध्यान से देखना। अभी ये जीरो को निडल इंडिकेट कर रहा है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। अगर आपसे पूछूंगा करंट क्यों नहीं फ्लो हो रहा, तो आप हंसोगे, अरे यार बैटरी तो लगा, या एक्सटर्नल किस सोर्स से करंट ला के तो दे, तभी तो ये फ्लो करेगा, नन अदर देन कहाँ से फ्लो करेगा? सिंपल सी बात है ना दीदी, मैं बोलूंगा टीवी लाइट नहीं है घर पे, टीवी चलाओ, हंस दोगे, ठीक है? जाओ मोमोज खा के आओ, बोलोगे, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अरे ये छोड़ देना, ये इसका सुई एक ही जगह पे अटका हुआ है, डेयरी मिल्क ला देना क्लास के बाद, 5 रुपये वाला दे देना इसको, ठीक? ओके ओके डन, टॉपिक चेंज भाई, मैं किसको छेड़ दिया यार, है ना? मैं इस पे वो डायलॉग लागू होता, मत छेड़ लड़की को पाप होगा, और तू भी किसी दिन किसी लड़की का बाप होगा बे, समझा? देख वो क्या बोल रहा होगा पता, मैं आज ही बाप बन जाऊंगा सर, बस छोड़ दो क्लास से, मेरे को घर जाने दो, ठीक है? तो देखो हुआ क्या, हमने एक ऑब्जर्वेशन, इस किसने किया था, माइकल फेराडे और हेनरी ने क्या किया, एक मैग्नेट लिया और इस मैग्नेट को यहाँ पे रखा। मान लो ये इसका नॉर्थ पोल है, आगे बताऊंगा साउथ पोल कौन सा जनरेट करता है, नॉर्थ पोल, अभी तक पूरा समझ में आया ना जो बताया? हाँ ठीक है, मुंडी लाइंस काम नहीं चलेगा बेटे, बताओ पूछना है, ठीक है? अब ये मैग्नेट है, तो जो मैग्नेट होता है ना, उस दिन भी अपन पढ़े थे कि जो नेगेटिव पोल होता है यहाँ से जो लाइंस होते हैं वो इमिट होता है, पढ़े थे ना? और कहाँ से एंटर करता है, एस पोल में एंटर करता है, ये हम बेसिक चीज़ों को पढ़ चुके हैं। अब मान लो कि अगर ये मैग्नेट था ना, तो यहाँ से बहुत सारे क्या होंगे, लाइन्स क्या हो रहे होंगे, निकल रहे होंगे, निकल रहे होंगे कि नहीं निकल रहे होंगे? इसका इसका एक आध लाइन मान लो इसमें से पास हो रहा होगा, एक आध लाइन पास हो रहा होगा, चलो मान लो ऐसे इमिट हो रहे हैं, ठीक है, मान लिया जस्ट, समझ में? अभी उन लोगों ने क्या किया, मैग्नेट को लिया और कॉइल को रख के खड़े हो गए पागल जैसे, बोले कि भाई चार्ज मूव किया था तो करंट पैदा हुआ था, तो इससे भी चार्ज मूव किया था तो मैग्नेटिक फील्ड बना था, तो मैग्नेट से करंट बनना चाहिए, करंट से ये हिलेगा, देख रहे हिल नहीं रहा, परेशान क्यों नहीं हिल रहा? तब उसने सोचा अब इसको उठा के थोड़ा पास लेके आता हूँ, कहाँ लेके आता हूँ, पास। तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा उसको पास लाया, जैसे इसको यहां से यहां तक लाया, ये फर्स्ट पोजिशन पे था, और फर्स्ट पोजिशन पे इसका निडल कहाँ पे था, जीरो पे था, ठीक है? मान लो फर्स्ट पोजीशन पे इससे जो लाइन पास हो रहा था वो 50 लाइन पास हो रहे थे, कितने के लाइन पास हो रहे थे, और कांस्टेंट लाइंस पास हो रहे थे। कैसे लाइन पास हो रहे थे, क्योंकि कंटिन्यूअसली अगर 1000 निकाल रहा है तो बहुत दूर होने के कारण 1000 में से सिर्फ कितना पास हो रहा है, इसमें से कोई चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो उन्होंने दिमाग लगाया यार एक काम करते हैं, थोड़ा सा पास लेके चले जाते हैं, क्या ही दिक्कत है। तो इन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा सा पास लाया पोजीशन नंबर 2 पे, ठीक? अब पोजीशन नंबर 2 पे ला के रखा तो फिर जीव कहते हो निडल कहां पे, जीरो पे। अब जहां 50 जा रहा था, अब हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा फ्लो होना चालू हुआ होगा यहां से, क्योंकि अब ज्यादा पास में आ गया ना, नहीं समझ में? ये डायग्राम बनाना है आपको, ध्यान पे रखना, समझ में? अब कितना पास हुआ, मान लो कि 200 पास हो गया, कितना पास हुआ, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, अभी इनको इस जगह पे लगा कि जो नेचर लव सिमेट्रिक बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं, ये सब क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, सब बकवास है। तो फिर लगा कि काम करते हैं, थोड़ा डिस्क और लेते हैं, थोड़ा और पास ला के देखते हैं कौन सा पैसा लग रहा है। तो उन्होंने क्या किए, और पास लाए, क्या किए, और पास लाए, पोजीशन नंबर 3। अब 3rd पे ला के रखा
तो तब भी नीडल कहां कितना बता रहा था, जीरो बता रहा था। अब कितना पास हो रहा होगा बताओ, कितना पास हो रहा होगा, हो या होगा 500, कितना हो रहा होगा 500, अब भी जीरो। तो समझ में नहीं आया क्या हुआ। तो अब उसने क्या किया, उठा रहा रख के आके देख रहा, कर रहा रख के आके देख रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो अब उसने एक ऑब्जर्व किया कि भैया जब मैं यहां से यहां तक लेके आ रहा था ना, जब ये 50 से 200 डायरेक्ट तो नहीं हुआ होगा। मतलब आप डायरेक्ट क्लास 12th में पहुंच गए या जेई की नीट की तैयारी कर रहे हो क्या, क्लास 1, 2, 3 सिस्टम से चले होंगे। जो 50 से 200 तक में चेंज तो हुआ होगा, 51, 52, 53, 54 ऐसा करते करते कितना हुआ। तब इन्होंने देखा कि भैया जब चेंज हो रहा था ना तो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ था, मतलब थोड़ा सा करंट बना था, और जैसे लाके रख दिए मतलब अब कितना फ्लो होना चालू हो गया, इसमें सिर्फ 200 पास हो रहा है, पास हो रहा है ना, पहले कितना पास हो रहा था, अब जब पास ला रहे थे तो क्या हो रहा था, पास ला रहे थे तो 50 से 51, 53 ऐसे करते करते कितना हो गया 200, और 200 हम रोक दिए तो रोक दिए मतलब आप कितने पास हो रहे हैं 200, लेकिन कॉन्स्टेंट हो रहे हैं, चेंज हो रहा है क्या, नहीं। तो ये तो बना। फिर उन्होंने जब यहां से यहां तक लाया तब देखा कि डिफ्लेक्शन थोड़ा और बढ़ गया, मतलब अब चेंज ज्यादा हो रहा है। तो क्या कंक्लूजन निकाले कि भैया जितने बार हम चेंज करेंगे ना तब वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, अब चेंज को रोक दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा। समझ में नहीं, समझ में कहानी, कितने लोग क्लियर होगा, प्लीज रेज योर हैंड, नहीं तो बाहर नहीं है, नहीं बनेगा। दीदी अभी दिखाऊंगा एनिमेशन का, दिक्कत ले रही है जो वही समझ में आ गया ना, रख दोगे तो उतने मैग्नेटिक फील्ड देगा। एक टॉर्च है मान लो, ठीक है, टॉर्च से रोशनी आपको आ रहा है, यहाँ जितना अभी यहाँ से जितना रोशनी आ रहा है वो आ रहा है, मैं अगर आपके पास लाऊंगा तो रोशनी चेंज होता हो जाएगा कि नहीं जाएगा, जब तक लेके आ रहे हैं तब तक क्या होगा, चेंज हो रहा, तब तक क्या होगा, करंट डिफ्लेक्ट होगा। ये कम चेंज हो रहा था 50 से 200 के बीच, मतलब 150 का चेंज हुआ, लेकिन 200 से 500 के बीच कितना चेंज हुआ, 300 का चेंज हुआ। तो कम चेंज तो कम करंट इंड्यूस्ड हुआ, ज्यादा चेंज तो ज्यादा करंट इंड्यूस्ड हुआ। बात समझ में आ गया, कितने लोगों को एक्सपेरिमेंट क्लियर होगी, नहीं हुई तो बताओ, नहीं हुई। और इसका रीजन हम लेंज ने ना बेहतरीन तरीके से बताया, और एक ही क्लास में सब थोड़ी पढ़ोगे, अभी तो इस सब थ्योरी को पढ़ोगे, फिर फ्लक्स पढ़ोगे, फिर फेराडेज लॉ पढ़ोगे, फिर लेंज लॉ आओगे, तब आपको मेन रीजन समझ में आएगा कि बैक ईएमएफ क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। न्यूमेरिकल बहुत तगड़े आते हैं और बहुत टफ न्यूमेरिकल आते हैं, और हम उसको बहुत ईजी वे में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इस पूरे वीक का, सैटरडे तक का टारगेट है, ये करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद यहाँ तक ला दिया, हम खुश हो गए बेटा, यहाँ लाके जैसे रखे 500 हो रहा, अब 500 इसमें क्या हो रहा, कंटिन्यूसली पास हो रहा, अब चेंज तो नहीं हो रहा, तो फिर से निडल क्या हो गया, जीरो हो गया। अब क्या किए, इसको पीछे लेना चालू किए कि अब तू पीछे जा। तो पीछे जब लिए तब 500 से कितना हुआ होगा, जब यहाँ तक लाए होंगे तो 200, तब भी चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तब भी चेंज हुआ। तो तब भी क्या बना, बना, लेकिन कहाँ बना, अपोजिट डायरेक्शन पे बना। हाँ समझ में, और क्यों ऐसा हुआ, लेंज ने पूरा बेहतरीन थ्योरी बताया, आगे क्लासेस बताएंगे। जिस दिन भाई कॉपी लेके नहीं आएगा उस दिन कॉपी चेक करेंगे, उसको घर भेजेंगे, फिर उस दिन बताएंगे, और वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। पूछो क्यों, क्योंकि भाई इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अरे कहाँ कह रहे हैं, ये हूं करके ये एक्सेप्ट कर लेगा तो मैं माफ कर दूंगा। चलो तो यहां तक कहानी समझ में आ गया, नहीं आया, अब यहां से फिर पीछे लेके जाएंगे तब वो क्या होगा, थोड़ा सा कम डिफ्लेक्ट होगा। मतलब क्या समझ में, मोरल द स्टोरी क्या है, वेन एवर चेंज द मैग्नेटिक फील्ड, जब जब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा चेंज, फैराडेज लॉ में हम डिटेल से पढ़ेंगे, अभी बस इतना याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करोगे तो क्या होगा, ईएमएफ बनेगा, ठीक। और चाहे आप बढ़ा के चेंज करो चाहे कम करके चेंज करो, चेंज तो चेंज होता है, नहीं समझ में, वो चिल्लर वाला चेंज नहीं, ये छोटी छोटी बात को लेकर बैठ जा। चेंज मतलब भाई तेरे में बदलाव होनी चाहिए, या तो तू पतले से मोटा हो जा या मोटे से पतला हो जा, चेंज तो दोनों कंडीशंस में हुआ, नहीं समझ में, बहुत बढ़िया। अब इसी में मैं अगर साउथ पोल को लेके आता हूँ तो क्या होगा, साउथ को अगर लेके आऊंगा, किसको लेके आऊंगा, तो साथ में रजनीकांत आएंगे। पूछो क्यों, क्योंकि वो साउथ के। अच्छा
बच्चा, अब लाइंस कैसे रहेंगे भाई? ये इनवर्ड रहेंगे ऐसे. काश सरकार मुझे एक खून माफ कर देती है यार. इसके साथ साथ तीन चार लोगों को ऐसा रखता और फिजिक्स से एक गोली मारता, चैन टक से, फिर एक से टक से तीन चार लोगों को एक ही गोली में उड़ा के चल जाता. अरे साउथ पोल में क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस क्या करते हैं, एंटर करता है. और इमिट कहाँ से होता है, नॉर्थ में. पहले बताऊँ कि नहीं बताऊँ दीदी? तो बताया करना ये सब चीज़ें. अकेला मेरा भाई पढ़ता है बस, क्योंकि मेरा भाई है करके मेरे सारे गुण हैं उसके अंदर. ठीक है भाई, थैंक यू. ठीक है, समझ में आ गया? अब जैसे से लेके आएंगे ना, अब चेंज होगा. तो अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? पहले इधर बना था, तो अब डायरेक्शन किधर होगा? इधर. अरे पहले इधर बना था क्योंकि नॉर्थ आ रहा था. जब साउथ को लाओगे तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट बनेगा. क्यों बनेगा? लेंज लॉ में पूरा डिटेल्स हम पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लो. फिर यहाँ पे चेंज करोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये उधर बना था तो ये अब ज़्यादा इधर बनाएगा. जब इसको वापस लेके जाओगे एस को, तब वो कैसा बनाएगा? समझ में, इसके अपोजिट बनाएगा. कहानी समझ में आ गया? फोटो जरूर खींचना, इसके बिना मार्क्स नहीं मिलेगा. जो चीज़ें बताया हूँ उसको लिख के दिया हूँ. फैराडे एंड हेनरी अटेम्प्ट टू ऑब्जर्व एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंडक्टेड लॉन्ग सीरीज एक्सपेरिमेंट. ये है पूरा एक्सपेरिमेंट, आपको समझा दिया. एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर लिखा हुआ, आप अच्छे से लिख लेना. और ये भाई के लिए एनिमेशन भी लाया हूँ. देखो ये नीडल, देखो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल गया. देखो जैसे इधर गया, जब वो रिटर्न आएगा तो डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया नीडल का. नहीं समझ में आया? अरे कुछ तो मतलब वही है कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया कि धीरे 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 आ रहा है. आप जल्दी देखो, ये कॉइल है, सुस्त राम, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे धीरे धीरे बनेगा. जितना जल्दी करेगा, आगे फैराडे इसका स्टेटमेंट बनाया है, द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स इज कॉल्ड, द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ. सेकंड लॉ है, पढ़ेगा भी. एक ही दिन में थोड़ी पढ़ा दूंगा, जिस दिन भाई नहीं आया उस दिन पढ़ेंगे ना, भाई सोएगा भी. समझ में आया? कौन सा पोल आ रहा है अभी? तो डिफ्लेक्ट किधर हुआ था? डिफ्लेक्ट किधर हुआ था? उधर हुआ था. जब वो बाहर आएगा तो डिफ्लेक्ट किधर हो रहा है? अपोजिट डायरेक्शन पे. इतनी सी बात समझ में आ गया? लिख के जाना, बिना लिखे नहीं जाना. चलो अब क्या हो रहा है? अब साउथ आ रहा है, साउथ आ रहा ना, तो अब क्या होगा? चेंज हो गया उसका डायरेक्शन. नहीं समझे? अबे हाँ तो बोलो. देखो मैग्नेटिक लाइन्स दिखा रहा है, देखो साउथ में. दीदी देख डायरेक्शन किधर दिख रहा है. अबे आना, रुकना. अरे क्या, कौन सा किधर आ रहा, किधर जा? ये अरे डायरेक्शन दिखा रहा कि अंदर ले रहे हैं फिर बाहर ला रहे हैं. यार फर्स्ट टाइम ट्वेल्थ है क्या? पांचवी बार है, बोल रही. चल छोड़ दे. समझ में आ गया? अरे आया कि नहीं आया? चलो अब इसके रिलेटेड एमसीक्यू भाई बस आंसर बताता है और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि उसका आंसर परफेक्ट होता है पीछे से. पढ़ ले. मैं नहीं पढ़ूंगा. चलो बताओ. व्हेन द मैग्नेटिक मैग्नेट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द कॉइल. पुल्ड अवे मतलब समझ में आता है? बाहर खींच रहे. चलो बताओ कौन सा बनेगा? डिफ्लेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, इन द इंड्यूस, रिवर्सेबल. इससे पहले का पहले जैसे ही करेगा कि अपोजिट करेगा? अरे पहले ऐसे था, जो उसको अपन क्या कर रहे हैं, अब पुल अवे कर रहे हैं. उसको क्या कर रहे हैं, पीछे ले जा रहे हैं. किसको? मैग्नेट को. तो डायरेक्शन अपोजिट नहीं हुआ था क्या? ये माँ कसम खराब, खून खराबा हो जाएगा इसको. ध्यान रखना, इस छोटी छोटी चीज़ें नहीं पड़ती पागल. अरे पागल औरत, जब इसको पीछे लेके गया तो चेंज हुआ था कि नहीं हुआ था? आयो पायो कायो माँ कसम. क्या क्या बोल रही है? वो बोल रही है कि मैं औरत हूँ, इसको क्यों बोल रहे हो आप औरत? सॉरी दीदी. देखो आंसर क्या आएगा? अपोजिट. भाई देख बता दिया. अब इसका बताएगा मेरा भाई, बोल. वो क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, मन में कर रहा, अकड़म बकड़म मम्बे बो, 80-90 पूरे 100. अरे बोलो ना दीदी, ये तो खो गई कहीं और.
इस भाई बोल दिया इसलिए सही होगा। ठीक है, पूछो क्यों? क्योंकि बॉम्बे वो वहीं आया था। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट किस पे बात कर रहे हैं? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, उसके बारे में लिख ले। सेकंड एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे हैं हम? मैग्नेट, मैग्नेट दो तरीके का होता है, याद रखना। कितने तरीके का? दो तरीके का, एक छोटा मैग्नेट, एक बड़ा मैग्नेट। एक और तरीका होता है एकदम बड़ा मैग्नेट। कितने तरीके का मैग्नेट होता है? मैग्नेट दो तरीके का होता है, एक होता परमानेंट मैग्नेट, एक होता इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या होता है परमानेंट मैग्नेट? मतलब आज तक आप जितने भी मैग्नेट अपने हाथ में छुए होंगे, देखे होंगे, ऐसे टक टक मारा होगा सर को, तो सारी चीजें किसका है? परमानेंट मैग्नेट। मतलब सुबह शाम रात दिन कभी भी देखे होंगे वो वैसे ही रहा होगा, उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। आपके घर में फैन घूमता है तो फैन इलेक्ट्रोमैग्नेट बेस वर्क करता है, मतलब करंट फ्लो होगा तब वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, उसके बेसिस पे वो क्या करेगा? घुमाएगा आर्मेचर को। बात समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको बोलते हैं? जब अपन करंट देंगे, जब अपन मतलब उसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तब वो क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। बात समझ में आए? तो अब हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट कॉइल ले लेते हैं ऐसे, और यहां गैल्वेनोमीटर लगा दिए, ठीक। एक और लगा लेते हैं, भाई एकदम दुखी है, एक पिंक क्यों यूज नहीं कर रहे? करूंगा थोड़ी देर के बाद बेटे। अब यहां पे बैटरी लगा दी, क्या लगा दिए? तू बैटरा भी लगा सकता, ठीक, हो गया। अब यहां स्विच लगा दो, क्या लगा दो? स्विच। ये कॉइल वन है और ये कॉइल क्या है? टू है। समझ में? अभी मैं मैग्नेट लेके आ रहा था ना, अब मैं मैग्नेट नहीं लाऊंगा, थोड़ा अपडेटेड है, क्या करूंगा? अपने आप को अपडेट करूंगा। कहने का मतलब, अगर मैग्नेट ले वो पढ़े हैं तो आपको याद भी होगा, जब इसको स्विच को ऑन करोगे ना, क्या करोगे? ऑन करोगे तो करंट ऐसे फ्लो होगा। जब करंट फ्लो होगा तो ये अपने अंदर क्या बनाएगा भाई? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अब अगर इसको इसके पास, काम तो वही कर रहा है यार, सेम वैसे तो वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है? उसमें और इसमें क्या फर्क है? उसमें वो था, इसमें ये है। सुपर, क्या बोला, देखा, ऐसा टैलेंट होना चाहिए। उसमें क्या, उसमें इसमें क्या फर्क है? उसमें वो था, इसमें ये है, बेहतरीन। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर एंटर मारेगा तब वो क्या करेगा? अब इसमें भी दो तरीके हैं, ध्यान रखना। तरीके दो क्या है कि अगर मैं डीसी सोर्स दूंगा, डीसी सोर्स का मतलब होता है बैटरी। बैटरी क्या करता है? हमेशा स्टडी करंट देता है, एक जैसा करंट देता है। कैसा करंट देता है? डीसी करंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट करंट। कभी किसी को शॉक लगा घर पे? शॉक लगा? नहीं लगा? नहीं लगा दीदी? सिंपल है दीदी, कुछ मत करो, आज घर जाओ यहाँ से, एक वायर लो, मुंह में डालो, लेकिन उससे पहले एक नोट लिख लेना, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रोहित कुमार, ठीक है? मुंह में डालो, जो अपने स्विच बोर्ड होता है ना ऐसे करके, इस पूरे इलाके में ना एक चीज होता है जो शायद किसी के पूरे इलाके में, क्योंकि यहाँ के लोगों को पता ही नहीं उस चीज के बारे में, ठीक है एक चीज होता है आरसीसीबी, नेट में सर्च मारना आरसीसीबी। वो क्या करता है, आपका बॉडी में अगर 30 मिली एम्पियर या उससे कम होगा तो उसमें इंसान मरता नहीं है, 30 मिली एम्पियर से ज़्यादा अगर जैसे करंट आएगा ना तो सारे वोल्टेज को ट्रिप कर देता है आरसीसीबी, ताकि जान ना जाए, ठीक है? स्टेबलाइजर नहीं बोलते, स्टेबलाइजर क्या करता है? वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है, ये इसको बोलते हैं आरसीसीबी। यहाँ पूरे इलाके में किसी का नहीं लगा होगा, मैंने जब कंस्ट्रक्शन करवाया था ना तभी लगा दिया था, ठीक है? और एक होता है सर्ज प्रोटेक्टर, मैं वो डब्बा दिखाऊंगा तुमको, यहाँ पे भी लगा हुआ है सर्ज प्रोटेक्टर, उसको भी लोग नहीं जानते। रीज़न जानते हो क्या? सर्ज का मतलब वो जो जिस बादल ग्रस्त है ना, बोलते हैं टीवी बंद कर दो, 11,000 वोल्ट से भी ज़्यादा वोल्ट अगर आ गया ना तो ये अपने आप क्या करेगा? उसको मशीन को उड़ा देगा। ये छोटा सा डिवाइस आता है, उस डिवाइस को ख़त्म कर देगा, एक बार में ख़राब कर देगा, लेकिन आगे वोल्टेज सप्लाई बंद कर देगा, तो उसकी चिंता मत कर, वो यहाँ उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। तुम घर जाओ, लो नहीं, काम करो, बेस्ट तरीका है, इसको लेके जाओ, बोल बहन चाय पिएगी? हाँ चाय पिलाती हूँ। तो उसके मुंह में चाय पत्ती डाल देना, दूध डाल देना, शक्कर डाल देना, एक वायर लाके डाल देना, देखना चाय बॉयल होते हुए दिखेगा उसके मुंह में, ठीक है भाई? समझ में आया? तो शॉक लगा था ना, तो जब शॉक लगाओ उस एक मोमेंट को याद करो, कैसा शॉक लगा होगा?
अरे इसके ये खत्म है, खाली है। जब शॉक लगा होगा आपको ऐसा लग रहा है कोई खींच भी रहा और ढकेल भी रहा है। नहीं आज जाके कर रहा हूँ, या मूवी वगैरह में देखे भी होंगे ऐसे ऐसा करता है ना, तो खींचता भी और क्या करता है ढकेलता भी। इसका मतलब क्या हुआ पता है? कि वो एक सेकेंड में आपको 50 बार खींचता है और 50 बार क्या करता है ढकेलता। क्योंकि हम जो वोल्टेज जो एसी करंट यूज़ करते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी 100 हर्ट्ज होती है, सॉरी 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज मतलब 50 बार खींचेगा, 50 बार क्या करेगा, अगला चैप्टर यही है हम लोगों का एसी, समझ में। तो वो क्या करता है करंट को फ्लक्चुएट करेगा। अगर मैं एसी यहाँ से फ्लो करूँगा ना तो मुझे इसको मूव कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कम ज़्यादा तो इसमें तभी होना चालू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं डीसी सोर्स को दूंगा तो मुझे पूरे सेटअप को उठा के इसके क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्टडी करंट फ्लो होगा, स्टडी करंट में क्या करेगा, स्टडी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और मैं स्टडी मैग्नेटिक फील्ड में बन रहा था क्या, कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में बन रहा था, चेंजिंग में बन रहा था। ऐसे मत देखो, जवाब दिया करो, स्टडी में बन रहा था कि चेंजिंग में बन रहा था। तो अभी जब डीसी दूंगा तो स्टडी बनेगा कि चेंजिंग बनेगा, स्टडी बनेगा, समझ में मेरी बात। तो ये सेकंड एक्सपेरिमेंट है, इसको भी मैं दिखाता हूँ, इसके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे हम कौन सा सोर्स दिए, डीसी सोर्स दिए, तो हम क्या करेंगे इसको इसके आसपास लाएंगे, ले जाएंगे, लाएंगे ले जाएंगे। ये C2 कॉयल है और ये C1 कॉयल है। डायग्राम अच्छे से बना लेना, डायग्राम में इसको बहुत अच्छे से दे सकता था, लेकिन वो डायग्राम दिया जो आप एक्जैक्टली आप बना सकते हो, ठीक है। स्टेट बोर्ड वाले फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आपका काम चल जाएगा, वो आपको वेरिएशन नहीं देता है। वाट तो इनकी लगती है, बोलते तो हैं कि सिलेबस रिड्यूस हुआ, वो सिलेबस ही ऐसे घुस के पूछ देता है। हर साल CBSE के एग्जाम के बाद क्या आता पेपर में, टफेस्ट पेपर है वो, हर साल, इस साल भी आया था, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। तो भैया इस लेवल का नहीं पढ़ोगे तो आउट ऑफ सिलेबस तो लगेगा ही, नहीं समझ में। CBSE वाले हो तो CBSE लेवल का आपको पढ़ना चाहिए। अब स्टेट लेवल का पढ़ोगे और कंपीट करोगे CBSE से तो पॉसिबल है क्या, नहीं है, समझ में मेरी बात कई मायने में। तो ये उसके पूरे जो मैं अभी समझाया हूँ ना पूरा लिख के दिया हूँ, मैं पढ़ के आपका समय खराब नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोगों का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब दिन भर का समय निकाल कर रात को फिर रील्स कौन करेगा तो ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया कि नहीं आया वाला, चलो लिख लेना। और भी इसके बारे में सारी चीज़ें हैं, वही मूव कर रहे हैं, पास ला रहे हैं, वही चीज़ें जो बताया हूँ वो लिख के दिया हूँ, पढ़ के कुछ वो नहीं करेंगे भाई के लिए। मैं सॉरी इसको एक बार तुम चाहो तो पढ़ सकते हो, जो बच्चा ऑनलाइन देख रहा होगा उसको नोट भी करेगा, नया ऐप आने वाला है, ठीक है। सब कपड़ा चेंज करके आएंगे, एकदम नया कपड़ा पहन के आएंगे, नया टी शर्ट मिलेगा, टी शर्ट का कलर भी चेंज कर रहे हैं अभी अपन। असर तो छोड़ना, इन लोगों को बता रहा हूँ यार, वो यही सब सुनने आता, उधर पढ़ने बोला मेरे को देख रहा हो, बाकी लोग पढ़ पढ़ो भाई, समझ गए गो बहुत, क्या हुआ, क्या क्या पढ़े, सुपर। अब इनका कंक्लूजन क्या था, कंक्लूजन क्या निकालें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, भाई मैग्नेटिक फील्ड चेंज किए तब बनाई हमें। सेकेंड में भी क्या किए, भाई मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। यही कंक्लूजन निकालें कौन, हमारे दो दोस्त, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन। मैग्नेट से क्या इंडक्ट किए आप, इलेक्ट्रिसिटी इंडक्ट किए, समझ में आ गया। एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो डायग्राम वगैरह बनाया था वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए यहाँ तक, बहुत बढ़िया। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट सम एमचिंग भाई के लिए, चलो पढ़ो। हो भाई ड्राइंग बाद में बनाओ, पहले देखो यहाँ पे। द इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इज ड्यू टू द मोशन बिटवीन द कॉइल, रिलेटिव, अपोजिट, ट्रांसलेटरी और रेक्टिलिनियर। तुक्का नहीं मानने का, मुक्का खाएगा बेटे, बोलो बे। कुछ तो शर्म कर, टेंथ वाला बता रहा है ट्रांसलेटरी, भाई सुन के तुक्का मार दिया। रिलेटिव, रिलेटिव क्या होता है, देखो मैं तुमको एक अच्छा चीज बताता हूं। हम जब एग्जाम देने बैठते हैं ना, किसी भी चीज के एग्जाम, जेई का एग्जाम तो दोगे ना, अब तो ऑनलाइन हो गया, पहले ऑफलाइन होता था ना, ठीक है। और स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम दोगे आप, जो ऑब्जेक्टिव होगा उसको वो लिखेगा नहीं, बाहर जाना डायरेक्ट तो बोता, ठीक है, बोल उसको मना कर, नहीं तो कर दूंगा उसको बाहर। कोई भी एग्जाम दोगे ना, मान लो किसी एग्जाम में देना, एक से एक नमूने मिलेंगे आपको एग्जाम में। आप एग्जाम दे रहे हो, एक आप एकदम बनाया जा रहे हो, आपके जस्ट आमने सामने वाला, मतलब एक्सप्रेशन देखना, और आपसे पूछे कुछ बताओ क्या,
तो आप उनसे कौन सा क्वेश्चन पूछोगे जो सबसे टफ होगा कि सबसे इजी होगा? जो क्वेश्चन आपको आता होगा, जिसका भाई इतने सारे क्वेश्चन में एक आध क्वेश्चन तो आपसे बनता ही होगा, उस क्वेश्चन का आंसर पूछना उससे। अगर वो उसका सही बता दिया मतलब ये आदमी क्या है? सही है, नहीं तो उसके बाप का क्या जाता है? उसका सी, उसका डी, उसका, तुम खुश हो गए कि बेटा सिलेक्शन हो जाएगा, ना उसका हुआ ना तुम्हारा हुआ। समझ में आया? तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? चीटिंग करना, ठीक, तो वही चीज है। अब वो इतने कॉन्फिडेंस से बोला, क्या रेक्टिलिनियर ट्रांसलेट, क्या बोला वे? ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेट, वो उसके कॉन्फिडेंस में देख के गिर गया, ट्रांसलेटरी होगा सर, है ना, दोनों ही बकवास हो गए। चलो अब गुड़ाखू देवी बताइए। अरे क्या पढ़ा है इतने देर से? मैं दीदी कुछ तो बोलो दीदी, बहुत पीटूंगा अगर बीच में बोला तो। वो छी बोला इसलिए ये भी छी। हाँ तो कौन सा सही बोली थी? ठीक चलो हाँ वही सुपर यार, क्या टाइम। मैं बोला ना क्लास में एक जन तो है हमारे पास जिसका ऊपर का माला खाली है। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक फ्लक्स। किसके बारे में बात करेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स, बेहतरीन टॉपिक है, देखते हैं। अरे रुकेगी अभी तो बहुत टाइम बचा बेटी, पहले लिखेगी नहीं पहले देखेगी। अब बात किस पे कर रहे हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? जोर से, ये कौन सा जोर था भाई? कौन लगा रहा था ऐसा जोर? बाकी लोग, अब जिसके मुंह से आवाज नहीं, पहले उसका कॉपी चेक करूंगा और कल खुन्नस निकालूंगा, उसको लिखने भी नहीं दूंगा। इसको क्या बोलते हैं? ये फंसा, फिर से एक बार चांस दूंगा, इसको नहीं मिलेगा चांस, बाकी लोगों को मिलेगा। क्या बोलते हैं इसको? हाँ भाई मेरा बोला, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। अब मैं बोलूंगा इस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को मैं क्लोज सरफेस से पास कर रहा हूँ। कहाँ से पास कर रहा हूँ? एक क्लोज सरफेस से पास करूँगा, ठीक है। बहुत मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको तुम छुपा रही हो? तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, गजल एक सुने कि नहीं सुने? आज जाके सुनना। तो ये निकलेगा, तुम बताओ द्रौपदी कुमार, ये पूरा पार होगा कि कुछ ही पार होगा? बोला भाई सिंपल, जो दिख रहा वो भी तो पूछ रहा हूं यार, उसको भी नहीं बोलेगा तो क्या दिक्कत है? इसमें से ये पूरा पास होगा कि कुछ ही पास होगा? हाँ, ये क्लोज सरफेस है, एक ऐसा सरफेस क्लोज है, जैसे मान ले खिड़की। हाँ यहां से मैं लाइट चालू कर रहा हूं तो पूरा का पूरा लाइट खिड़की से बाहर कि कुछ इधर उधर? आए पुनके गांव में पूरा बाहर, मार्टिन चकपक, मतलब गप से अंदर से जाएगा। हमारे गांव में कुछ बाहर, क्यों? क्योंकि ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, छी किन लोगों को पढ़ा रहा हूँ। और कुछ बाहर ही बाहर हुआ, नहीं समझी? अबे बदतमीज, मैं बोला खिड़की बंद है, खिड़की बंद है बोला मैं, बच गया वो, नहीं तो भी कॉपी चेक करता उसका मैं। चलो ठीक है, ठीक है, खामोश। मैं तो ये भी नहीं बोला खिड़की में दरवाजा लगा। बोलने के लिए बहुत सारी चीजें बेटे, अभी उसमें डिस्कस करें, खिड़की खिड़की की मम्मी आएगी तो फिर खिड़की का भी एक वर्ड हो जाएगा। आपका बच्चा खिड़की नहीं जानता, मैग्नेट नहीं जानता, उसको हम पढ़ा रहे हैं, है ना? ठीक, तो ये जो लाइन्स जा रहे ना बेटे, इन लाइन्स की जो क्वांटिटी होगी ना, इस लाइंस का ये जो क्वांटिटी होगा ना, ये क्वांटिटी जो होगा, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस,
द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, मान लो ये 100 थे, पास सिर्फ कितने 60 हुए हैं, तो मैं मैग्नेटिक फ्लक्स इसको बोलूंगा, उस 40 को बोलूंगा, नहीं 60 को बोलूंगा। तो डेफिनेशन क्या हो गया, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ क्लोज सर्फेस, दिस नंबर इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। तुम बोल सकती हो, मुझे उम्मीद है, बोलो जल्दी बोलो, तुम बोल सकती हो। क्या बोला बे, तुम बोलो बेटी। हजार मेरा भाया, ये ई क्या कर रहा है बे, ई क्या अंगड़ाई अंगड़ाई ले रही है। हाँ बोल, फ्लक्स, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन समझ में आ गया, कुछ डिपेंडेंसी है, डायग्राम जरूर बना लेना दीदी, डेफिनेशन आपके हाथ में, 15 मिनट बचा है, 10 मिनट तो लगेगा, हो जाएगा। हाँ ना ना दीदी, पीडीएफ कोई नहीं लिखता दीदी, ठीक है चलो लिख लो, बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं रुक क्या बता ही देता। हेलो, ओके चलो डन। तो आज क्लास में बहुत कम बच्चे हैं, ठीक है क्लास में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए, तुम लोगों का कंप्लीट है ना सच में, ठीक है दिक्कत नहीं, समझो कैसा भाई, हाँ ठीक है। तो अभी का टॉपिक जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है, पिछली क्लासेस में जो पढ़े होंगे वो आपको समझ में आ रहा होगा, मैं ज़्यादा जोर से नहीं बोलूँगा, कोशिश करूँगा कि यहाँ से आगे आवाज़ ना जाए, ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स अपने आप में बहुत, नहीं सॉरी कहाँ पढ़े थे मैग्नेटिक फ्लक्स, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। तो पिछली क्लासेस में हम फैराडे के एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, एक ही क्लास लेक्चर हुआ था इसका। अब आज के क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे बिहेव करता है, कैसा वर्क करता है, सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक चीज़ को बताएंगे, ठीक है। आवाज़ ज़्यादा आ रहा होगा तो ऐसा कर देना, इशारा कर देना, तो आवाज़ में कम कर दूंगा जिससे वहाँ तक आवाज़ नहीं जाएगा, ठीक। तो देखो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा क्या, कि मैग्नेटिक फ्लक्स एग्जैक्टली होता क्या है, पहले समझ लो। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये क्या है, क्या बोलूँगा मैं कि ये क्या है, तो आप क्या बोलोगे, ये वो है, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, क्या ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, मस्त टॉपिक है। देखो बहुत स्पीड जाएंगे अब, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो आप बोलोगे ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, ठीक है। तो मैं इसका नाम भी दे रहा हूं, इट इज अ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, बहुत बढ़िया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। अब इस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को अगर मैं कोई क्लोज सरफेस से पास कराता हूं, कहां से पास कराता हूं, क्लोज सरफेस से जब पास कराऊंगा तब मैं इनको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं बोलूंगा, तब इनकी जो क्वांटिटी होगी ना, उस क्वांटिटी को, मान लो कि इसमें बहुत सारे लाइन्स है, बहुत सारे लाइन्स है, मैं एरिया थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, मैं एरिया थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, मान लो इतना बड़ा एरिया है, तो इतने एरिया में सारे लाइन्स पास होंगे जरूरी है क्या, नहीं, कुछ लाइन्स पास होंगे और बाकी ऐसे निकल जाएंगे। तो जितने पास हो जाएंगे ना, जितने इसमें से क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, तो उनको अपन नहीं बोलेंगे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, क्या नहीं बोलेंगे, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं बोलेंगे। याद रखना, इनकी जो ये क्वांटिटी होगी ना, इस क्वांटिटी को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो डेफिनेशन क्या बनता है, तो याद रखना, कोई भी क्लोज सरफेस से जितने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास होगा, उनकी जो क्वांटिटी होगी, उनका जो नंबर होगा, 10, 20, 100, 150, 300, 400, 500, जितना भी नंबर होगा, वो नंबर को ही अपन क्या बोलते हैं, फ्लक्स। फ्लक्स समझ में, फ्लक्स मतलब एक नंबर होता है, फ्लक्स क्या होता है, लेकिन उस नंबर को भी मेजर करते हैं हम लोग, कैसे मेजर करते हैं पढ़ेंगे अपन। तो डेफिनेशन क्या बना, डेफिनेशन ये बना, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, दिस नंबर इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। बात समझ में आ गया, तुम बोलो मन में, बहुत बढ़िया, सुपर।
द टोटल मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ क्लोज सर्फेस इज कॉल्ड फ्लक्स, नंबर के वजह से। कुछ चीजें बताता हूं, अपने तक ही रखना, किसी को बताना मत। दो केसेस पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस पे डिस्कस कर रहा हूं। इफ मान लो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? कांस्टेंट है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है। बी, बी डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। ठीक है, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम है, मतलब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब जो मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगे वो क्या निकलेंगी? सेम निकलेंगी, ठीक। अब सोचो कि मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब जितना क्लोज सरफेस से पास होकर गुजरेगा। ध्यान देना बे, सुना नहीं बता रहा हूं। अभी एक बात बताओ, दो एरिया ले लिया, सबसे ज्यादा फ्लक्स किसमें बनेगा? ऑब्वियसली दब के जाएगा, है ना, किसमें बनेगा? ऊपर वाले में, नीचे वाले भाई रैप कर रहा है ना, बहुत बड़े दूंगा तेरे को बेटा। तो ऑब्वियसली किसमें जाएगा ज्यादा? नीचे वाले में। तो क्या समझ में आया? एरिया बड़ा तो फ्लक्स भी बड़ा, बड़ा कि नहीं बड़ा? तो क्या समझ में आ गया कि जो फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, वो क्या करते हैं? तेरे विरोधी पार्टी को हंसी आ गया भाई, है ना, तेरे दोस्त जिसको तू बोलता है आस्तीन का सांप, ठीक है। तो विरोधी पार्टी बोलो, तो जिसका एरिया बढ़ेगा फ्लक्स बढ़ेगा, एरिया और कम कर दूं तो नंबर कम हो जाएगा ना। नहीं समझ में आया? तो क्या समझ में आया दीदी? समझ में ये आया कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? एरिया। किसका? एरिया किसका होता है? जैसे कोई लड़की, उसका नाम रिया, तो उसको बोलते हैं ए रिया, वही है ना। तो एरिया, लेकिन कैसा होना चाहिए? ये क्लोज्ड होना चाहिए, समझ में। तो मैं इसको डिनोट करता हूं फाई से, एरिया को ले लिया ए से, इक्वेशन नंबर क्या आ गया? वन, ठीक। अभी मैंने मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रखा था, अब जाके मैं क्या कांस्टेंट रखने वाला हूं? अब जाके मैं कांस्टेंट रखने वाला हूं किसको? ए क्या कर दिया भाई, हट, ऐसा करना है, ठीक है, तभी तो पीडीएफ बनेगा ना भाई। सेकंड केस में अब एरिया को कांस्टेंट करते हैं, किसको? एरिया कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, मतलब ये है कि मेरे पास एरिया है। क्या मेरे पास? एरिया। क्या मेरे पास? बोलो ना पागल हूं, एरिया। पीटूंगा, बात नहीं करना। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो हम चेंज कर दिए, कम ज़्यादा, मतलब मैग्नेटिक जो इंटेंसिटी है वो वेरी कर रहा है। इससे पहले वाले में कौन वेरी कर रहा था? थोड़ा सा इधर भी ले लेते हैं ऊपर से, गुस्सा तो नहीं आ रहा है भाई? गुस्सा तो नहीं आ रहा तेरे को? गुस्सा तो नहीं आ रहा तेरे बेस्टी को मैं पीछे बैठा दिया कि खुशी आ रहा है? बहुत बढ़िया, खुशी हो रहा बेटा। अभी देखो दो मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, वीक मैग्नेटिक फील्ड, गॉट इट? अबे ज्यादा है ना बे, तो स्ट्रांग होता है ना, पतला दुबला क्या होता है? कमजोर होता है ना। तो भाई स्ट्रांग और स्ट्रांग कौन है दीदी? नीचे। और वीक कौन है? वो एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट पे बैठ नहीं लगा रही, वो तुम पे बैठ लगा रही, देख ले रही, जो बोलेगा उसका उल्टा ही बोलूंगी। मैं बोला ऊपर वाला स्ट्रांग होगा, तुम ऐसे बोले ना, बोली नहीं नीचे वाला ही होगा, मैं उसके अपोजिट ही जाऊंगी, ठीक। ओके, नहीं कोई दिक्कत नहीं, एरिया सेम है। मैग्नेटिक फील्ड का अगर स्ट्रेंथ को अगर मैं चेंज करता हूं, यहां पे बी है और यहां पे बी है, यहां पे बी वन है, ये बी टू है, लेकिन हमको पता है भैया बी टू का इंटेंसिटी ज्यादा कंपेयर टू बी वन। क्यों? क्योंकि अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का अगर आपने वो वाला लेक्चर अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा द डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंटेड
द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो उनकी डेंसिटी, इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो उनकी डेंसिटी, और इंटेंसिटी कम होगा तो उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी. तो यहां डेंसिटी कम है कि ज्यादा, यहां डेंसिटी ज्यादा. एरिया दोनों सेम है कि अलग अलग है? कुछ तो बोला का भाई, देख अदला बदली कर दूंगा तेरे और तेरे दोस्त को. ठीक है, तो ज्यादा कौन फ्लक्स बनाएगा? नीचे वाला. तो फ्लक्स कौन ज्यादा बनाया? जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा. तो क्या समझ में आया कि भैया जो फ्लक्स है ना, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसके बराबर होता है? वो प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड डिनोट करते हैं फाई से, फ्लक्स को फाई से डिनोट. छी बी इक्वेशन नंबर टू. और मैंने बहुत रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि और को ऐसा कोई फैक्टर नहीं जिस पे डिपेंड करता. ये दो फैक्टर्स हैं जिसमें मेनली डिपेंड करता है. एक होता है एरिया, एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, एरिया घटेगा फ्लक्स घटेगा. इंटेंसिटी बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, इंटेंसिटी कम होगा तो फ्लक्स कम होगा. इसको एक और तरीके से समझाऊं तेरे को? हाँ बोलेगा तो मैं समझा सकता हूँ. मान ले एक नल है, पानी का नल है. ठीक, एक पानी का नल है, नल इतना बड़ा, इतना टोटी से पानी आ रहा है. टैप बोलते हैं, टैप 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 से पानी आ रहा है. अब मैं छोटा सा ग्लास, एकदम छोटू सा नहीं होता ग्लास, उसको लेके जाऊंगा और एक बड़ा सा बाल्टी लेके जाऊंगा, तो ज़्यादा पानी कौन कंटेंट करेगा एट द सेम टाइम? जिसका एरिया बड़ा, फ्लक्स बड़ा. अब हमने बाल्टी को क्या किया था? चेंज लिया था. छोटा बाल्टी ने क्या किया था? तो उस समय हमने क्या किया था? एरिया को चेंज किया था, छोटा एरिया और एक क्या किया था. अब सोचो, अब हम एरिया सेम रखेंगे, अब दोनों बाल्टी रखेंगे, लेकिन अब टैप को चेंज कर दे रहे हैं. एक पतला वाला और एक मोटा वाला और एक पतला वाला. समझ गए? एक पतला वाला और एक मोटा वाला. तो पानी कौन भरेगा ज्यादा? पतला वाला. मोटा वाला? अरे गरीब लोग, आवाज निकाला करो मुंह से. जिस टैप का डाया ज्यादा होगा वो पानी ज्यादा निकालेगा, और जिसका डाया कम होगा वो क्या करेगा? कम निकालेगा. तो क्या समझ में आया? जिसका डाया ज्यादा उसमें पानी के आने की इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी. मतलब क्या समझ में आया? कि फ्लक्स अभी बढ़ेगा, किससे बढ़ेगा? इंटेंसिटी से बढ़ेगा. बात समझ में आया? तो ये दो मेन इक्वेशंस हैं. अब इन दोनों इक्वेशंस को लेकर आगे कमाल करेंगे, धोती फाड़ के रुमाल करेंगे. तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू. देखना फाइव, देखो दोनों के LHS में क्या था? फाई था और ए था, और क्या था? बी. एरिया था और क्या था? बी था. मैग्नेटिक फील्ड ए फॉर, बी फॉर, समझी नहीं समझी? ए गांव वालों के लिए, आदिवासियों के लिए. ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, फाई फॉर फालतू बैठा हुआ है वहां पे. तो इसको हटाएंगे. इसको हटाने के बाद क्या लगाएंगे? के. बेटे के, इस पूरे को हमने एक्सपीरियंस किया, कोई साइंटिस्ट एक्सपीरियंस किया था? प्रेजेंटली तो हम ही लोगों ने किया ना दीदी. पतला बाल्टी मतलब पतला टेप, हम लोग एक्सपीरियंस किए ना. फिजिक्स में बहुत सारे रिलेशंस को हम खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे, और जब हम खुद एक्सपीरियंस करेंगे तब उसका वैल्यू हमेशा क्या कंसिडर्ड होगा? वन. नहीं समझे? नहीं समझे? तो अब क्या हो जाएगा? फाई का वैल्यू आ गया वन. ए बी, तो फाई ए बी. अब जो होने जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट. अब जो बोलने जा रहा हूँ, करने जा रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आप अगर गीता पे हाथ रख के कसम खाते हो कि कल आपका कॉपी कंप्लीट होगा तो आप ग्रुप में रहेंगे, नहीं तो टाटा बाय बाय गुड नाइट. ठीक है, सोच लेना. मेरे भाई के लिए ऑफर दिया हूँ, अगर भाई यहाँ बैठा होता तो ऑफर ये किसी को नहीं मिलता. ठीक है, कब तक तेरे लिए मैं ऐसा करता रहूँगा भाई? समझ में नहीं आ रहा तेरे लिए कितना मेरे को वो करना पड़ता है. तुम क्यों खुश हो रही हो? फिर तेरे लिए गाना आएगा, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? क्या गम है जिसको छुपा रही हो? पुष्पा देखो, यूनिट, हम सबसे पहले किस यूनिट की बात करते हैं? SI यूनिट. SI यूनिट में phi इज इक्वल टू क्या चल रहा था? AB. A क्या था? एरिया. क्या था? एरिया. तो एरिया का यूनिट क्या था? मीटर स्क्वायर. और B क्या था? मैग्नेटिक
स्ट्रेंथ, और इसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी का यूनिट बता दीजिए। तुम तो खिड़की के बाहर जाओगे, ऐसे खड़े रहोगे जेल जैसे, तो जल्दी बताओ, खत्म है ये तो। बहुत बढ़िया, आई एम शाबाश, बहुत बढ़िया। अरे क्या टैलेंट है, माँ कसम, ये बता रहा हूँ ना मैं, अधो भाग्य मेरे जो आप पधारे दीदी। टेस्ला, अच्छा ये तो मेरे जुबान पे था। अभी आप बर्तन बर्तन बोल रहे थे, मैं तसला तसला याद कर रही थी, लेकिन मैं बोल नहीं पाई सही टाइम पे, सही चीज़ मेरे से निकलता ही नहीं है, इसलिए तो मैं इधर उधर निकल जाती हूँ, ऐसा इसका कहना है। तो बी को लेके मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, अर्ज किया है, इरशाद बोलो गधों। बी इज इक्वल टू होता है एफ बाई एम, एफ का होता है न्यूटन, क्या होता है न्यूटन, और एम का क्या होता है एम फॉर मास, एम्पेयर इंटू सेकेंड, पोल स्ट्रेंथ, याद होगा कुछ दिन पहले ही पढ़े थे मैग्नेटिज्म में, ठीक है। बी इज इक्वल टू, न्यूटन को लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका क्या होता है एम्पेयर इंटू सेकेंड। बी इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर एम्पेयर इंटू सेकेंड क्यूब। इस पूरे को तसला बोलते हैं बेटे, क्या बोलते हैं, ठीक, नहीं समझ में, ये बी का वैल्यू है। अब मैं क्या करता हूं, दोनों का वैल्यू लाके इक्वेशन नंबर थ्री में रखता हूं। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर थ्री, तो फाइव इज इक्वल टू क्या चल रहा, बी ए ए बी आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दर्द की बात नहीं है, समझो। तो बी क्या था, बी था टेस्ला, ए क्या था मीटर स्क्वायर। तो याद रखना बेटे, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर को बोलते हैं बेबर, क्या बोलते हैं बेबर, और बेबर को शॉर्टकट में लिखने का तरीका डब्ल्यू बी। द एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, अकेला जानता है, बाकी कोई नहीं जानता है, क्योंकि वो पढ़ के आता है, ठीक है, ठीक है, बस वो थोड़ा सा थोड़ा गजनी बन जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं वेबर, ठीक। अब देखो, अब थोड़ा सा आगे चल रहा हूं, इसी को लेके चल रहा हूं, फाई। अब थोड़ा सा मैं आगे कर रहा हूं, टेस्ला को मैं क्या लिख सकता हूं, किलोग्राम मीटर एम्पियर और सेकंड क्यूब इनटू, किससे हो रहा है मीटर स्क्वायर से हो रहा है, तो ये क्या होगा मीटर स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाइड होगा। फाइव इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर क्यूब पर एम्पियर इंटू सेकेंड क्यूब, इसको भी बोलते हैं बेवर, इसको भी क्या बोलते हैं बेवर। तो फाइव इज इक्वल टू, ये भी हो गया बेवर, क्या किलोग्राम मीटर क्यूब पर एम्पियर सेकेंड क्यूब, इसको भी बोलते हैं बेवर। मैं दो बार लिख दिया, पूछ क्यों, पूछो ना क्यों, इच्छा हो रही थी भाई दो बार लिखने के लिए, ठीक है। तो ये आ गया, हम कौन से पार्ट में चल रहे थे अभी, अब हम बात किस में करेंगे, सीजस, कहीं पे घबराने की जरूरत नहीं है भाई, ऐसे कर तो फुस कर, ऐसे ऐसे कर, ऐसे, अरे तेरी क्या करता, मस्त करता यार, ठीक है। अब सीजस में आते हैं, किस में आते हैं, सीजस में आते हैं। जब सीजस में आओगे तो हमको पता है कि फाइ इज इक्वल टू क्या था बी ए, तो फाइ बी, तुम चार कॉपी खोल के नहीं बैठना था, तो वैसे ही बाहर हो गया, बंद कर कॉपी, पागला कहीं का तो टीम से बात, तुम सबको मैं चांस दे रहा हूं, एक चांस दे रहा हूं वापस धरती पे आने के लिए। सीजस में मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, एक चांस सबको मिलेगा, खत्म खत्म, सुपर्ब। एक टेबल और पीछे जा, क्या क्या बोली वो, ये माँ माँ धरती माँ फट जा, घुसा दो उसके उसके अपने अंदर, तो दैट्स गुड, यही सुनना था, तुम बताओ, नहीं तो डिमोशन, गौस नहीं होता, गाउस होता है, गाउस क्या होता है, गाउस, और इसका क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्त। तो इसका नाम पड़ता है मैक्सवेल, क्या बोलते हैं इसको, मैक्सवेल इज अ सीजस यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, ध्यान पे रखोगे, मैक्सवेल कौन सा यूनिट होता है इसका,
सीजीएस यूनिट होता है, फाइ इज इक्वल टू वन टेस्ला को जैसे लिखे थे ना, इसको गॉस को भी लिख सकते हैं। वहां किलोग्राम था ग्राम, सेंटीमीटर था मीटर, था सेंटीमीटर, एम्पियर था स्ट्रेट एम्पियर, सेकेंड था सेकेंड क्यूब, सेम वैसे चेंज कर दिया। और ऑलरेडी क्या चल रहा है, इसी को अपन क्या बोलते थे, टेस्ला। साथ में क्या चल रहा है, मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर स्टेट एम्पियर इंटू सेकेंड क्यूब। इसको भी बोलते हैं अपन मैक्सवेल, क्या बोलते हैं इसको, मैक्सवेल, ठीक। देन द डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी ए, एम फॉर मास, मास के लिए क्या चाहिए, किलोग्राम ग्राम और पाउंड। तो किलोग्राम है अपने पास, नहीं ग्राम तो है अपने पास एक बार। एल मतलब लेंथ, लेंथ मतलब मीटर सेंटीमीटर फिट, क्या सेंटीमीटर है, यस, कितने बार। टी फॉर कितने बार, तो इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका खुद ही मिल गया, एक तीन तीन एक, नहीं समझ में क्या याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, एक तीन तीन एक, ठीक, नहीं समझ में आता। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ कंडीशंस बताता हूं, कंडीशन रिलेशन बिटवीन बेवर एंड मैक्सवेल, इन दोनों के बीच भी कुछ रिलेशंस होता है, इन दोनों के बीच भी क्या होता है, कुछ रिलेशंस होता है। कैसे होता है, गौर से देखोगे तो फाइ इज इक्वल टू था बी ए, फाइ इज इक्वल टू क्या था, इसको बोलते हैं बेबर, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेस्ला, इसको बोलते हैं मीटर स्क्वायर, ठीक। द्रौपदी देवी मैं तुमको फिर से एक चांस देता हूं सामने पधारने के लिए और नीचे बैठने के लिए, क्योंकि ऊपर बैठने का पद तुमसे छीन लिया गया है, फिर ऊपर बैठा दूंगा, बताओ तुम बताओ, एक मैक्सवेल एक बेबर कितने मैक्सवेल के बराबर होगा, वो क्या बोल रहा, दैट्स गुड, एक के बराबर बोला, आओ आओ पीठ लेके आओ, गद से दूंगा लेके फिर जाओ, खत्म है वे जिंदगी। दीदी अभी तो निकाला ही नहीं हूं, पूछा हूं बता दिया लड़का, तेरे को याद है तू बताना बेटा भी। फाइव सबसे पहले टेस्ला को मैं लिखूंगा गाउस, वन टेस्ला हाउ मेनी गाउस, ये क्या पूछ लिए सर, किडनी मांगो मैं एक ही बार में ब्लेड से फाड़ के दे दूंगा, तो याद रखना वंस टेस्ला, हाँ टेस्ला बताया हूं ना, 10^4 गाउस, होता है कि नहीं होता है, तो टेस्ला की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 10^4 गाउस। मीटर को मैं क्या लिखूंगा, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में चेंज करूंगा, तो मीटर किस में चेंज होगा, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, डाउट है इसमें, ऐसा तो होता ही नहीं है, 100 होता है 1000 होता है, ऐसा तुम लोगों के बीच में आ रहा होगा क्वेश्चन, एक्सप्रेशन से लग रहा है, डाउट है तेरे को ना, तेरे को 100 सेंटीमीटर क्यों होता है, तेरे एक्सप्रेशन से लगा मेरे को भाई, क्या एज अ टीचर ना हम लोग एक्सप्रेशन से थोड़ा सा वो कर लेते हैं, जज कर लेते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं 2, और ये भी क्या चल रहा है, सेंटीमीटर में चल रहा है, और ये स्क्वायर चल रहा है, तो फाइ इज इक्वल टू 10^4 और ये हो गया गाउस, ये 2^4 10^4 और सेंटीमीटर स्क्वायर। माही को आए कि नहीं आए, डर गई बच्ची, डर गई माही, डर गई, फिर क्या बचा था, गॉस, फिर क्या चल रहा था, सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई थोड़ी देर पहले बताया था कि जो गॉस होता है, कहाँ गया वे, हाँ क्या करता, आवाज निकालते रहता है, गॉस इंटू सेंटीमीटर को क्या बोलते हैं, मैक्सवेल। ए कहाँ गया भाई, अभी नहीं आने का, तो इस पूरे को क्या बोलेंगे अपन, मैक्सवेल, क्या बोलेंगे इसको, बहुत बढ़िया, तो 10^8 ये क्या हो गया, मैक्सवेल, और ये क्या था बेटे, ये था बेबर। कैसे पता, अभी तो बताया था सड़े, ये क्या था, बेबर। तो का समझे,
कि भैया वन वेबर इज इक्वल टू 10^8 मैक्स वेल। नहीं आया? आया कि नहीं आया? कहीं डाउट है पूछो, बहुत सारा चीज पढ़ेंगे बेटे, दिल गार्डन गार्डन कर देंगे आज। समझ में आ रहा है? नहीं, कुछ इमरजेंसी है क्या तेरे को? तो टेबल पकड़े क्यों बैठा भाई? पैर दर्द दे रहा है? मैं नीचे बैठा तो पैर दबा दो थोड़ा सा उसका यार, बेड मंगाऊं? तू ठीक से बैठ ना, तेरे को देख के मेरे को और बड़ी लग रहा है यार, तू टेबल पकड़ के कर। कल एक लड़का है, नाम नहीं बताऊंगा कौन सी क्लास का है, उसको भी वैसे ही था, वहाँ रिसेप्शन में बोलता आप तो जाने दो, है ना? तो भाई ऐसा कुछ है तो बता, है ना? ठीक, डिस्काउंट रेट में डायपर भी हम लोग दे रखते हैं रिसेप्शन में ना। ठीक, तो ये हो गया मैक्सवेल। एक आदमी सोच रहा पहले क्यों नहीं बचाए, मैं भी मेरे को जो बचा डेली क्यों नहीं बचाए। चलो छोड़ो, कंडीशन देखो, गुस्सा नहीं। अब इसमें कंडीशन बताते हैं कुछ और। माँ कसम, देखता कैसा है यार मेरे को। When magnetic lines, passing normally to the surface. देखो क्लास ना सच में यहां से आपको आपका इंपॉर्टेंट, अभी देखो सिलेबस में ज्यादा कुछ नहीं रखा है, मैं आपको बता रहा हूं। यहां हो गया, इसके बाद ना एसी पढ़ा दूंगा, अक्टूबर मिड तक आपका एसी खत्म हो जाएगा, तो एसी के बाद ना मैं ड्रॉप कर दूंगा ये वाला पार्ट, फिर उठाऊंगा वह ऑप्टिक्स वाला पार्ट। ऑप्टिक्स के पांच तीन चार चैप्टर हैं, बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, उसको विद इन अ मंथ हम खत्म कर देंगे, तो बाकी जो 15-20 दिन बचेगा उसमें फिर वो इलेक्ट्रॉनिक और एटम न्यूक्लियर खत्म हो जाएगा, ऑन टाइम आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से वो भी। लेकिन आपका कहाँ कंप्लीट हो रहा भाई, देखते देखते सिक्स चैप्टर तक पहुँच गए, सेवन्थ है ये, सिक्स चैप्टर तक पहुँच गए, आपका कहाँ कंप्लीट हो रहा भाई? आप तो कर ही नहीं रहे, पढ़ ही नहीं रहे, और लोग बार बार एक ही बात बोलते हैं, मैथ्स का टेस्ट क्यों नहीं हो रहा, मैथ्स का टेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? फिजिक्स का भी होगा इस बार, केमिस्ट्री का है सैटरडे को, याद रखियो ठीक है। हाँ तू बैठ जा, बैठ अच्छे से बैठ। अब लाइंस कैसे पास हो रहे हैं पता तेरे को भाई? अब लाइंस कैसे पास हो रहे हैं, अब ध्यान से देखना ठीक है। अब ना मान ले ये ऐसा, अरे कैसा बन रहा है यार, हाँ ये ऐसा क्या बना ठीक है। हमने पढ़ा था ये अगर सरफेस है, लाइंस सीधे आना चाहिए था ठीक, ऐसे आना चाहिए था, ये एग्जैक्टली ऐसा सरफेस है, ऐसा सरफेस है, लाइंस कैसा आना चाहिए ऐसा। मैं ऐसा ना देखे थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, बेंड कर दिया, नॉर्मली कैसा जा रहा है, एग्जैक्ट 90 पे नहीं जा रहा, थोड़ा सा क्या कर रहा है उससे बेंड होके जा रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक कंडीशंस ले लेता हूँ, एक बढ़िया तरीका लेता हूँ, यहाँ पे एक पार्ट ले लिया ऐसे ठीक है। इसको जाना कैसा चाहिए था, इसको जाना सीधे सीधे चाहिए था, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ यार, इसको जाना कैसा चाहिए था, सीधे सीधे ऐसे जाना चाहिए था, है ना, जाना चाहिए था ना, रूल्स तो यही पढ़े थे अपन, रूल्स तो यही पढ़े थे कि भाई ऐसे जाना चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या बोलता है कि मैं ऐसा नहीं जाऊंगा, कैसे जाऊंगा बोल रहा है, बोर्ड का पेपर देना है तेरे को, ट्वेल्थ का नहीं देना, उधर पढ़ो ठीक है, बार बार इधर देखोगी ना, तो एक ऐसे आदमी के पास बैठा दूंगा तेरे को जिसको पिंक पसंद है, रोना नहीं, समझ में जाना कैसा था दोस्त, ये क्या समझ में आया तेरे को, एक पेपर है जिसके ऊपर चना मुर रहा है ठीक है, मुर रहा ऐसे जाना चाहिए था, चना ऐसे जाना चाहिए था, वो देख लिया, सोच रहा मैं तो यही सोच रहा था सर ठीक है, ये ऐसा है। हमेशा याद रखना, वो उसमें भी पढ़ चुके हैं, किसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या था उसका नाम, इलेक्ट्रिक फील्ड में बता चुका हूँ, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इफ हम क्या लेते हैं इन्फिनिटेसिमल, मतलब बहुत छोटा एरिया अगर लेते हैं तब वो क्या करता है, वेक्टर होता है।
अगर ह्यूज एरिया लोगे जैसे एग होता है, तो एग एग के कितने एरियाज होगे, उसके तो बहुत सारे सर्फेसेस हैं, मतलब एक ही सर्फेस है, लेकिन स्पेसिफिकली उसके डायरेक्शन को अपन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। डिटेल से पढ़ना है तो उस वीडियो को देख लेना, वीडियो पूरा आपके ऐप में अभी भी रखा हुआ है, ठीक है। बहुत कम ही लोग उसको यूज़ करते हैं, जो यूज़ करता है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है, ठीक। तो ये हो गया। तो भैया लाइन्स अगर ऐसे जा रहा तो इंटेंसिटी किधर होएगा, इधर होएगा, होगा ना। और एरिया किधर जा रहा है, एरिया हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, नहीं समझी। अरे कुछ तो बोल दीदी, तुमको बोल रहा हूँ पीछे, ऐसे हंसना नहीं है दीदी। अगर इसका सरफेस ऐसे दीदी, तो छोटा सरफेस कितना ले लूँगा दीदी, डी एस, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा दीदी, ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया, हमने पढ़ा है कि हमेशा क्या होता है सर पे, ऐसा क्यों लग रहा है भाई, मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ, खुद ही समझा रहा हूँ और खुद ही खुश हो जा रहा हूँ। कुछ तो रिस्पॉन्ड करो भूत लोग, कुछ तो रिस्पॉन्ड करो, पीछे वाला भाई तो हर दो मिनट अबे कुछ तो बोला करो मेरे साथ साथ। अरे भाई तो ले, अभी जल्दी छोड़ दूंगा, टेंशन मत ले, ठीक है। एग्जैक्टली वॉशरूम तैयार है, मैं नहीं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको एग्जैक्टली एक पैरामीटर होता है एक इंस्टीट्यूशंस के लिए, आपको शायद पता नहीं होगा, एक इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा पैरामीटर है कि आपके पास दो सीढ़ी होना चाहिए, एक इन एक आउट, सीढ़ी की विड्थ इतनी होनी चाहिए, मतलब एग्जिट पॉइंट होना चाहिए, साथ में जो फायर जो हाँ वो अभी आने वाला दो तीन दिन में, ठीक है, वो होना चाहिए आपके पास। वॉशरूम बना है, लेकिन वॉशरूम इतना अच्छा है ना कि मैं तुमको अलाउ नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं अलाउ कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा ब्रांडेड है उसकी, फिर मतलब उसके आप लोग अच्छे से देखभाल करोगे, इसलिए मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ। कैमरा चालू हो गया, मतलब वो माइक चालू हो गया। तो भाई देख, स्टोरी ये है कि जिधर डीएस है उधर ही क्या होना चाहिए था, बी का भी होना चाहिए था। तो मैं बोला कि भाई तू कितने एंगल पे, तो ये बोला मैं थीटा एंगल पे हूँ। कितने एंगल पे, तो मैं बोला कि तू इधर से इधर रिटर्न आ जा, कहाँ से कहाँ, इधर से इधर रिटर्न आ जा। तो बोलता है मैं तो नहीं आऊँगा, मैं अपने कंपोनेंट को भेज दूंगा। किसको भेज दूंगा, तो हम बोले कौन है तेरा कंपोनेंट, नाम बता, लेके जाएंगे, आएंगे तो आए हैं तो लेके जाएंगे। तो बोलता मेरे दो कंपोनेंट होते हैं बेटे। कितने कंपोनेंट होते हैं, दो। एक होता है बी का, यहाँ आ जाएगा बी कॉस थीटा, और यहां पे आ जाएगा बी साइन थीटा, ठीक। तो हमको डीएस और बी एक ही डायरेक्शन में दिखे कि नहीं दिखे, दिखे कि नहीं दिखे, दिखा, कुछ तो रिस्पॉन्ड कर, दिखा कि नहीं दिखा, छोड़ दे, तुम लोगों को दिखा। अब एक मां कसम बोलता है क्या चीज दिखा कि नहीं दिखा, क्या चीज सर, आलू गुंडा समोसा, हाँ वही तो देख रहा हूं सबसे मैं। अब तुम बताओ फ्लक्स कम बन रहा है कि ज्यादा बन रहा है, फ्लक्स कम बन रहा है क्योंकि छोटा सा एरिया हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, पूरा एरिया लेते हैं तो क्या होता, फ्लक्स ज़्यादा बनता। ये तो खत्म है माँ कसम, भगवान छोड़ दे। तो जो फ्लक्स होगा वो मिनिमल होगा, तो फ्लक्स का ही फार्मूला पढ़े थे, बी के साथ क्या था, ए था, तो यहाँ पे डी एस चल रहा है, समझ में आ गया। एक इसके लिए फ्लक्स था, थोड़ा सा फ्लक्स था। अब जो बी था एग्जैक्टली बी, कौन पे चिल्ला रहा, यहीं चिल्ला रहा के नीचे, बी कॉस थीटा और साथ में क्या हो जाएगा डीएस, तो डी फाई इज इक्वल टू बी डीएस, साथ में क्या आ गया कॉस थीटा। नहीं समझ में, ये आदमी सुबह भी मेरे को इरिटेट करता है, बता सुबह भी ना, है ना, नहीं वो सब्जी वाला आजकल क्या करते हैं बता, वो माइक वाला नहीं, एक बार रिकॉर्ड करके घर से निकल जाते हैं, छोड़ देते हैं। अब वो ही नहीं देखे पब्लिक कितना इरिटेट हो रहा है, सुबह 11th की क्लास चलती है हिंदी मीडियम वालों की ना, वो ऐसे चिल्लाता है, खुन्नस तेरे पे निकाल दूंगा, तो बैग रख दे तू पीछे, जाना है क्या, ओह मेरे को लगा जाना है इमरजेंसी भाई को। तो डी फाई इज इक्वल टू बी के साथ डी एस, कॉस थीटा हटा दिया, कॉस हटाओगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर बन जाएगा, और वेक्टर कौन सा वेक्टर, डॉट वाला वेक्टर, मतलब किसको बताता है ये, स्केलर को बताता है।
मतलब इनका प्रोडक्ट जो है वो स्केलर है, उन दोनों का जो बी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, डीएस वो भी वेक्टर है, दो वेक्टर, लेकिन इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है? स्केलर आ रहा है। इसका मतलब क्या समझ में है? इसका मतलब ये समझ में आया कि भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ वन टाइप ऑफ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? ठीक है, तो नोट करके समझ जाएंगे क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वन टाइप ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। क्या? अरे इसकी बात सुन लेना भाई सही बात है, मतलब अभी भी चेक ही कर रहा था, समझ में आ गया। इसमें दो कंडीशंस लेंगे अपन, अब फेराडे आ गया, इसको बोलते हैं थोड़ी देर होल्ड कर, अभी टेम दे टेम। तो कंडीशंस फर्स्ट व्हेन मैग्नेटिक लाइंस पासिंग परपेंडिक्यूलर टू द सरफेस। मैं तुमको फिर से बैठने का एक चांस दे रहा हूं, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा जो पहले बताएगा उसको सामने ला दूंगा। यह जीरो क्यों होता है? क्यों होगा जीरो बताओ? वो कॉस थीटा हिस्से, सही बोला, आ जा सामने कल, ठीक है। ये ऐसा जा रहा था और ये कैसा था? ऐसा था, और यहाँ क्या बना था? थीटा। ये इधर आ जाएगा तभी तो परपेंडिकुलर होगा, जब परपेंडिकुलर होगा तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया? हो गया ना। कई लोग क्या करते हैं, थीटा का वैल्यू 90 रख देंगे, ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे मैं रख सकता भाई थीटा का वैल्यू 90। तो अब थीटा का वैल्यू 90 रख दोगे ना, जीरो रखोगे, तब फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डी फाई इज इक्वल टू बी डी एस कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू क्या लगा रख रहे हैं? जीरो। तो डी फाई इज इक्वल टू बी डी एस कॉस जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू वन। क्या हुआ दीदी, दौरा चालू हो गया? नहीं, दौरा पड़ रहा तो बताओ। तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम फ्लक्स, यहीं से क्या निकलता है। अब इसका मतलब क्या हुआ समझो, ये एक सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा, मान लो यहाँ से 1000 लाइंस आ रहे हैं, अभी ज़्यादा कटेगा कि अब ज़्यादा कटेगा? ऐसे परपेंडिकुलर में ज़्यादा कटता है, ठीक है, तो इसीलिए मैक्सिमम फ्लक्स होता है, ठीक। अब इसके जस्ट अपोजिट सेकेंड कंडीशंस, व्हेन मैग्नेटिक लाइंस पासिंग पैरेलल टू द सरफेस। पैरेलल टू द सरफेस का मतलब लाइंस ऐसे थे, जाने कैसे थे, लेकिन वो ऐसे जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, मतलब लाइंस आ ऐसे रहे हैं, मैं ऐसे रुकूंगा तभी रुकेगा ना। अब वो ऐसे ऐसे आ रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे रखाऊं तो काटेगा क्या? कटा? अरे दीदी कटा क्या, उसको दिख ही नहीं रहा। नहीं, कहाँ दिख नहीं रहा कि कटा नहीं देख? अबे तेरी, तू क्यों इतना गुस्सा हो जा रहा बार बार, छोड़ना, अब क्या ही करूँगा, मजबूरी, पापी पेट का सवाल है भाई, करना पड़ेगा, तो गुस्सा मत हो, समझ में। तो जब वो पैरल हो जाएगा तो कितना डिग्री बन जाएगा? तो थीटा का वैल्यू 90। तो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है? बी डी एस कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू जीरो। जब फ्लक्स कटेगा नहीं तो फ्लक्स बनेगा क्या? इसीलिए मिनिमम बोलते हैं इसको। नहीं समझे, घूर लो अच्छे से एक एक बार। अरे कार लगा रखी हो दीदी। अब आ रहा है फेराडेज लॉ। अब कौन आया? फेराडे, ठीक।
पीडीएफ चाहिए कि नहीं चाहिए? तो 5 मिनट और पढ़ा दे। अरे कि, अरे तू पागल हो गया भे, सिलेबस के लिए तू ही चिल्लाएगा फिर? घर में भी नहीं लिख पाते। अपन जाते हैं किस पे, मेजोरिटी पे जाएंगे। कितने लोग चाहते हो अभी लिखना, हाथ उठाओ। 3 लोग चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं घर पे लिखना? अबे मुकरी, वो घर पे लिखने वाला है। हाँ वो दोनों में से नहीं है ना कैटेगरी। तो मैं समझता क्यों नहीं है तू भाई? मैं सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट कराऊंगा। कब? जब पढ़ेगा, है नहीं? चलो देखो, फेराडेस के 2 लॉज हैं, ठीक है? हम अगर बात कर लो तुम लोग, फिर मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है? फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड फेराडे ने 2 लॉ दिया था। फर्स्ट को फर्स्ट लॉ बोलते हैं, सेकेंड को सेकेंड लॉ ही बोलते हैं। ऐसा मत कर देना कभी, जो जानकार होगा वो डिनाई कर देगा कि फर्स्ट को सेकेंड में बोल दूंगा, सेकेंड को फर्स्ट में बोल दूंगा। अपने आप में अमेजिंग टॉपिक है, ठीक? तो देखते हैं इसको बड़े अच्छे से। तो फर्स्ट है फेराडेस फर्स्ट लॉ, और दूसरा क्या? फेराडेस सेकेंड लॉ। तो बात करते हैं फेराडेस फर्स्ट लॉ, एग्जैक्टली क्या बताना चाहता था। तो ध्यान से देखना, कल जो एक्सपेरिमेंट हम लोग किए थे उसी एक्सपेरिमेंट को मैं थोड़ा सा और बता रहा हूं। यहां पे गैल्वेनोमीटर है, क्या है यहां पे? गैल्वेनोमीटर है। और यहां पे नीडल इसका क्या था? 0 पे था। गौर करो कि कल हम लोग यहां से क्या किए थे, एक मैग्नेट को लेके आ रहे थे, याद है कि नहीं? याद है, मैग्नेट को लेके आ रहे थे। ये तब तक डिफ्लेक्ट होगा, मेरे इसको ना आप मैग्नेट अज्यूम करना, चलो व्हाइट ब्लैक में, ब्लैक नहीं दिखेगा तो आई कंसीडर दिस रिमोट। ये मैग्नेट है, ये जैसे जैसे इसके पास आएगा ना, अभी देखना मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट ला रहा हूँ, तो इसके फ्लक्स में चेंज हो रहा होगा। कल हम 3 स्टेज में स्टॉप कर करके लाए थे, बट अब ये निकला ना तो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? आ रहा है। कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? आ रहा है, समझ में? तो उसके फ्लक्स में चेंज हो रहा है, तो कंटिन्यूसली स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या होगा? डिफ्लेक्ट होता जाएगा, ऐसे ऐसे धीरे 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 बढ़ता जाएगा, क्योंकि फ्लक्स ज़्यादा बढ़ेगा ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। बात समझ में? लेकिन अब अगर मैं यहां ला के रोक दूंगा तो फ्लक्स में चेंज हो रहा है क्या? यहां था 1000 लाइन्स निकल रहे थे, 1000 में से 50 जा रहे थे, जैसे जैसे ला रहा हूं तो 50 से 100, 100 से 150, 200, 500, 400, 800, 900, यहां तक लाते तक 950 हो गए, 950। अब यहां पे स्टॉप कर दिया उसको, आगे बढ़ा ही नहीं रहा हूं, तो क्या होगा? फ्लक्स अब चेंज नहीं हो रहा है। फ्लक्स बढ़ तो गया लेकिन उस फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा। अब फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा इसलिए क्या हो जाएगा? फिर से नल 0 हो जाएगा। मतलब कोई भी सर्किट में करंट को फ्लो करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आप छोटा सा सेल खरीदने जाते हो ना, आप बताओ सेल के अंदर क्या रहता है? एनर्जी रहता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो वो एनर्जी मतलब हम उसको किससे कंसिडर करते हैं? उसके एनर्जी को कैसे कंसिडर करते हैं? वोल्ट से। भाई 1.5 वोल्ट का एक वो दे दे ट्रिपल ए बैटरी, डबल ए बैटरी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? वोल्ट से। कैसे मांगते हैं अपन? वोल्ट से। तो वोल्ट किसको डिफाइन करता है? उसके एनर्जी को। तो कहीं पे भी अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट को फ्लो कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? ईएमएफ। मतलब ईएमएफ बना होगा तभी करंट फ्लो हो रहा होगा, नहीं तो करंट फ्लो नहीं होता। बात समझ में? क्या बन रहा होगा? ईएमएफ बना होगा तभी करंट फ्लो हो रहा है। तो याद रखना, यहां पे जो ईएमएफ बनेगा सर्किट में, उस ईएमएफ को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बोलेंगे उसको? इंड्यूस्ड मतलब कोई चीज पैदा हो रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ बोले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसमें डिफ्लेक्ट हो रहा क्यों? करंट फ्लो हो रहा। करंट क्यों फ्लो हुआ? क्योंकि करंट को फ्लो कराने के लिए क्या चाहिए? ईएमएफ चाहिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उस इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए फोर्स रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड बाय इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ का तो डेफिनेशन पहले भी हम पढ़े, द वर्क डन टू कैरी यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम होल सर्किट इज कॉल्ड द ईएमएफ ऑफ द सर्किट। पढ़े कि नहीं पढ़े? अब सोचो मैं इसको यहां से जब यहां तक लेके आ रहा था तो फ्लक्स में चेंज हो रहा था, फ्लक्स में चेंज हुआ तो क्या बना होगा? ईएमएफ बना होगा। उस ईएमएफ से फिर क्या बना होगा? करंट बना होगा। उस करंट से क्या हुआ होगा? डिफ्लेक्ट हुआ होगा।
दैट इज कॉल्ड बाई इंड्यूस्ड EMF और इट इज ऑल्सो नोन एज अ इंड्यूस्ड करेंट. इट्स नॉट अ करेंट, इट इज कॉल्ड बाय इंड्यूस्ड करेंट. पैदा हुआ है वो बिना टच किए पैदा हुआ. अभी इसको देखो, ये इसको टच कर रहा है क्या? नहीं, टच नहीं कर रहा, फिर भी पास ला रहे हैं तो इसमें करंट आ रहा है. ठीक है, तो इसको अपन क्या नहीं बोल सकते? करंट नहीं बोलेंगे. क्या बोलेंगे उसको? ईएमएफ को ईएमएफ नहीं बोलेंगे. क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड ईएमएफ. गॉट इट? तो इसको डेफिनेशन को आपको बोलना आना चाहिए. तो डेफिनेशन को हम कैसे बोलेंगे? व्हेनेवर चेंज द लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हेनेवर चेंज द लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, वन टाइप ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्किट. व्हेनेवर चेंज द लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, जब जब आप क्या करोगे, लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करोगे, तब क्या होगा? एक टाइप का ईएमएफ क्या होगा? सर्किट में इंड्यूस्ड होगा. और ये कब तक इंड्यूस्ड रहेगा? जब तक चेंज हो रहा होगा. जब लाके रोक दूंगा, चेंज बंद हो जाएगा, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा. नहीं समझा? देख, whenever change the linked magnetic flux, one type of EMF induced in the circuit. The induced EMF lasts as long as change in the flux changes. कब तक रहेगा वो? जब तक flux में change हो रहा है. जैसे रोक दोगे तो क्या हो जाएगा? EMF zero. EMF zero, current zero. Current zero, deflection zero. नहीं समझ में? डेफिनेशन को फिर से बता रहा हूं, कल के डेट में कॉपी भी कंप्लीट होगा और डेफिनेशन भी आपको याद होना चाहिए. ठीक. व्हेनेवर चेंज द लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सर्किट, वन टाइप ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्किट. समझ में आ गया? द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट एज लॉन्ग एज चेंज इन द फ्लक्स चेंजेस. कब तक रहेगा वो? जब तक फ्लक्स चेंजेस होगा. तुम कोशिश करो बोलने की एक बार, तुम बोल सकती हो, इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है. इस लड़की पे मेरे को कॉन्फिडेंस है भाई, तेरे पे भी कॉन्फिडेंस है भाई, बोल. वाह, क्या बोल रहा है? समझ में? नहीं समझे? मैं तुम लोगों को भी चांस दे रहा हूं, अगर बोल दिए तो इस एक वीक तक ना कॉपी चेक करूंगा ना ही उसके लिए बुलाऊंगा. चलो, कौन बोलना चाहता? हाथ उठा दो. कौन बोलना चाहता? हाथ उठा दो. कोई बोलना नहीं चाहता, गरीब लोग हैं, पढ़ने लिखने में कोई मतलब ही नहीं है. समझ में आ गया? व्हेनेवर चेंज द लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सर्किट, देन वन टाइप ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्किट. द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट एज लॉन्ग एज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस. जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा होगा? चेंजेस हो रहा होगा, तब तक फ्लक्स होगा, फिर नहीं तो फ्लक्स निकल जाएगा. उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा. इट्स अ फर्स्ट लॉ, कल याद होना चाहिए. नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड लॉ ऑफ द फेराडेज. तो फेराडेज का सेकेंड लॉ अमेजिंग लॉ है, तो प्लीज पे मोर अटेंशन. आपको ये भी बहुत अच्छे समझ में आएगा, मैं उम्मीद करता हूं. अभी तो बहुत टाइम है यार, कहां एकदम लगा रखा. अरे सुपर यार, क्या बात है, हट, मजा नहीं आया तेरी बात से. देखो यहां पे कोई मिल गया, गाना बजना चालू हो गया होगा साइड में. छोटा सा बादल बन गया होगा, पिंक को देख के बंदा पागल हो जाता है भाई. अब सुनो, अब मेरी बात को सुनो. मैं क्या किया इसको लिया, इसको रोका नहीं, यहां से वहां तक जाना था. मैं आराम से एक मिनट का टाइम लिया और यहां तक पहुंचा. कितने मिनट टाइम लिया? एक मिनट, वन मिनट. तब मैं देख रहा हूं कि डिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो जीरो से हटके वन पे आके ऐसे टिका हुआ है. ठीक, चेंज हो रहा था. अब मैं क्या किया, थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया, जस्ट लाइक 30 सेकेंड. कितने सेकेंड मिला है? 30 सेकेंड. अब उससे पूछूंगा कि दोनों में से बड़ा कौन है, तो बोलेगा 30 बड़ा है, क्योंकि एक से बड़ा 30 होता है. लेकिन वो मिनट में सेकेंड में बैठे, 60 सेकेंड लगा था, 30 सेकेंड लगा. अब देखो मोरल द स्टोरी. फिर से मैं इसको लिया, 5 सेकंड में पहुंचा दिया. कितने में? मस्त बोला, बोल तो 5 फिर से.
5 सेकेंड, डिफ्लेक्शन और ज्यादा। अब यहां से उठाया, वो पीछे वाली बोली कहना क्या चाहते हो, एक बार में बोल देना खत्म करो ना, क्या एकदम 1 सेकंड 5 सेकंड कर रहे हो, है ना, केमिस्ट्री जाने दो कम से कम एक बार, व्हाट्सएप तो चेक कर लूँ कि किसी कॉल तो नहीं आया, पीएम फोन किया कि सीएम फोन किया। क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या पता, अभी देखो मैं कई लोगों को देखता हूँ, ये तो तुम लोग तो गिन चुन के चना मुरे डाब के बैठे हो, जो बड़ी क्लासेस होती है ना उसमें धीरे से, हालांकि हमको पता चल जाता है, हिम्मत तो है नहीं किसी की, लेकिन कई लोगों का मैं देखता हूँ ऐसा करके बैग के अंदर ही सब चलता रहता है ऐसे, और उस लोगों को लगता है कि सर को पता नहीं चलेगा। अब यहां से उठाया मैं, 1 सेकंड में लेके चला गया, कितने सेकंड में, तू मेरे को एक बात बता यार दोस्त, एक बात बता, चाय पीता है क्या, मत पिया कर, अच्छी बात नहीं है। परसों 3 अक्टूबर है, परसों क्या है, सेलिब्रेशन डे, पूछो क्यों, पिछले साल 3 अक्टूबर को मैंने लास्ट चाय पिया था, इसका रीजन बताता हूं। क्या होता था कि हमारे ऑफिस में ना इतना, मैं उससे पहले यहाँ नहीं पीता था, जब वहाँ गया था ना ऑफिस में इतना बुरा आदत, कॉफ़ी हो जब स्टॉल वगैरह रहता, जब स्टैंडर्ड चीज़ें मिलती है ना तो आदमी क्या करता, पीना चालू करता, ऐसा लगता था ना क्लास के बाद सब पी रहे हैं, अच्छा है कॉफ़ी पी लो, कड़क बना लो, इतना ज़्यादा हो गया था ना हैबिट कि नहीं पीने से सर दर्द देना चालू हो गया था। मैं बोला बेटा इसको छोड़ना है, मतलब छोड़ना है, 3 अक्टूबर 1 साल हो जाएगा तो सेलिब्रेशन है, तुम साड़ी पहन के आओगी, ठीक है, ठीक है। अब इसका मोरल पे स्टोरी क्या निकला ये बता दो बस, कि जितना स्पीड आप लेके आओगे, जितना कम टाइम लगेगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, जितना कम टाइम लगेगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन मतलब उतना ज्यादा करंट, उतना ज्यादा करंट मतलब उतना ज्यादा ईएमएफ बना होगा, क्योंकि ईएमएफ ज्यादा होगा भाई, छोटी बैटरी छोटा सेल बड़ा सेल, छोटे सेल का ईएमएफ छोटा, बड़ा सेल का ईएमएफ बड़ा, तो छोटे सेल से टीवी चलाओगे कि बड़े सेल से टीवी चलाओगे, तो करंट ज्यादा आएगा, करंट ज्यादा आएगा कब, जब सेल का ईएमएफ ज्यादा होगा, समझ में है? तो जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा मतलब उसमें करंट ज्यादा मतलब उसका ईएमएफ क्या होगा, ज्यादा। तो भाई कम टाइम पे ईएमएफ बन रहा है कि एकदम स्लो मोशन में ईएमएफ बन रहा था, कम टाइम पे, तो यह समझ में आ गया कि भैया टाइम कम चाहिए, कम टाइम में टाइम क्या लगना चाहिए, कम, और फ्लक्स में चेंज होना चाहिए तो ईएमएफ बनेगा। तो मतलब ईएमएफ क्या बोलता है कि समय कम लो, समय क्या लो, कम लो, और फ्लक्स में चेंज ज्यादा करो, फ्लक्स में क्या करने बोल रहा है, चेंज करो, तब मैं बन जाऊंगा ईएमएफ, तब मैं प्रकट हो जाऊंगा। टाइम कम ले रहा है इसीलिए, जैसे टाइम कम करते जाओगे ना तो ई बढ़ता जा रहा है, ईएमएफ बढ़ता जा रहा है, नहीं समझ में, टाइम कम करते जाओगे तो ईएमएफ बढ़ता जा रहा है, यही रीजन है जिसकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, ईएमएफ को ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो स्टोरी क्या बना, डेफिनेशन क्या बना, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। कभी भी डिनोमिनेटर में टाइम आ गया तो आप रेट वर्ड जोड़ देना, नहीं समझ में, या टाइम नीचे क्यों आया ऊपर क्यों नहीं आया तुम बताओ, ये तो पता कि ई कब बनता है जब फ्लक्स चेंज होता है, तो टाइम नीचे क्यों आया, टाइम को ऊपर क्यों नहीं रखे, क्योंकि टाइम कम लेगा तब फ्लक्स ज्यादा बनेगा, मतलब इसके बढ़ने से ये कम हो रहा है और इसके कम होने से ये बढ़ रहा है, तो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होगा कि सिर्फ प्रोपोर्शनेट होगा, समझ में आया ना। तो इसका डेफिनेशन क्या बना, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। कितने लोगों को कहानी क्लियर हो गया, तुम बताओ, ये भाई फिर से बताएगा, मस्त बताता है, दैट्स गुड, देख भाई सीख कुछ इससे। आज मम्मी होती ना रो देती, और वो आंसू कौन सा होता पता तेरे को, खुशी के होता है, ठीक है, तो मेरे को रुला दिया दोस्त। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि भैया ई प्रोपोर्शनेट है डी फाई बाई किसके, डी टी के, डी का मतलब डिफरेंस चेंज इन फ्लक्स, और डी का मतलब, डी टी का मतलब बहुत छोटा टाइम, छोटा टाइम मतलब इनफाइनाइट डेसिमल टाइम, समझ में आता है ना। चलो 11 तो पढ़ के आए होंगे, लेकिन माइनस लगा दिए यार, माइनस क्यों लगाए, अभी बैक ईएमएफ वगैरह पढ़ोगे, लेंज लॉक पढ़ोगे तब अच्छे समझ में आ जाएगी माइनस क्यों लगाए, ठीक है, अभी बता दूंगा मैं, ठीक। अब इसको हटाएंगे तो क्या लगेगा, के लगेगा। अब एक बात बताओ,
इसको एक्सपीरियंस हम किए थे कि फेराडे ने किया था? प्रेजेंटली तो हम ही लोग किए थे ना दीदी, टाइम कम फ्लक्स ज्यादा, तो हम जब भी करेंगे। तेरे क्या प्रॉब्लम है बे? ने फेराडे तेरे गांव में किया था, अभी कौन एक्सपीरियंस किया था? फिर वहां पे लिख लेना अकॉर्डिंग टू अंकित कुमार सड़ेला के का वैल्यू कितना होगा, 1। तो डी फाइव बाय डी टी, ये सेकेंड लॉ था। अब एक बेहतरीन सा एक्सपेरिमेंट बताता हूं, लेंज लॉ। पूछ देता, ओके डन। अब देख रहा, आज भी अगर कोई पनौती बनाना टॉपिक को स्किप कर देंगे, ओके बंद करो कॉपी और फुल्ली अटेंशन इन बोर्ड। देखो इससे पहले वाली क्लासेस में एक ही चीज को तीन बार रीटेक हो गया ना, इससे पहले वाली क्लासेस में दीदी हमने क्या किया था, सबसे पहले बात किस पे किया था, फेराडेज लॉ, फेराडे के एक्सपेरिमेंट पे बात किया था, फेराडे के एक्सपेरिमेंट्स को लेके। फिर फेराडे के एक्सपेरिमेंट में हमने क्या बताया था कि करंट बनता है, क्या बनता है, करंट बनता है। करंट कैसा बनता, फिर से एक बार देख लो। फेराडे ने अपने स्टेटमेंट में ये बताया था कि भैया अगर कोई कॉइल है, अगर क्या कोई कॉइल है, अगर उस कॉइल में अगर आप क्या कर दो, एक गैल्वेनोमीटर लगा दो, तो करंट नहीं फ्लो होगा। कब करंट फ्लो होगा? तो उसने बताया कि अगर एक मैग्नेट को रखोगे तब करंट फ्लो होगा। क्या सही बात बता रहा हूं मैं, गलत बात? ऐसा नहीं बोला था, मैग्नेट को रखोगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा? इसका रीजन क्या है? क्योंकि मैग्नेट को अगर फ्लो करोगे तो फ्लक्स बनेगा क्या? फ्लक्स बनेगा क्या? फ्लक्स बनेगा। क्यों पूछो? क्योंकि लाइंस निकल ना दीदी, लाइंस कुछ तो पास होगा इसमें से, तो लाइन पास होने से फ्लक्स से क्या करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, मतलब फ्लक्स के बनने से करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, सॉरी इंड्यूस्ड। प्रोड्यूस और इंड्यूस अलग चीजें हैं, ठीक है? प्रोड्यूस और इंड्यूस में फर्क बताया था, फर्क, हाँ, इंड्यूस मतलब बनना और प्रोड्यूस मतलब पैदा होना। अबे इंड्यूस और प्रोड्यूस में डिफरेंस है। इंड्यूस का मतलब कोई चीज बिना टच के किसी चीज को अगर दे रहे हैं ना, तो उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड, ठीक है? और कोई चीज टच करके अगर कोई किसी को दे रहे हैं, ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको बोलते हैं प्रोड्यूस्ड। बात समझ में? तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। फ्लक्स तो बन रहा होगा क्योंकि लाइन्स यहां से बहुत सारे पास हो रहे होंगे, ठीक? यहां से अगर ये यहीं पे रेस्ट है, मूव नहीं कर रहा है, तब भी तो लाइन्स निकल रहे होंगे, तो क्या यहां फ्लक्स नहीं बना? फ्लक्स तो बना दीदी। क्यों? फ्लक्स का डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ क्लोज सर्फेस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स तो बना लेकिन फ्लक्स में चेंज नहीं हुआ, तो फेराडे क्या किया था, फ्लक्स को चेंज किया। जैसे फ्लक्स को चेंज करना चालू किया, और फ्लक्स का चेंज का मतलब दो चीजों से, या तो इंक्रीजिंग होगा या तो क्या होगा, डिक्रीजिंग। दोनों ही कंडीशन में करंट क्या हो रहा था, सेम रेट में अगर आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज, और सेम रेट में अगर डिक्रीज कर रहे हो तो करंट सेम बनता, बट करंट का डायरेक्शन अलग होता। तो डायरेक्शन को लेकर बहुत लोग क्या थे, कंफ्यूज थे। तो भैया डायरेक्शन को लेके बता दो, बोले। तब लेंज ने अपना स्टेटमेंट दिया, बोला मैं बताऊंगा आपको क्या चीज के बारे में, डायरेक्शंस के बारे में, ठीक है? तो इनका जो स्टेटमेंट था वो क्या था, फर्स्ट जो स्टेटमेंट था, एक ही स्टेटमेंट था, वो क्या बोला था, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करेंट, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करेंट ऑलवेज अपोजिंग द कॉज विच आर रेस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूसिंग इट। नहीं समझ में? ये हमेशा उस कारण का क्या करेगा, अपोज करेगा, विरोध करेगा जिस कारण से क्या हुआ है, ये पैदा हुआ है। समझ में? अभी यहां पे था, अगर मैग्नेट को दूर हटा दूंगा तो पैदा होगा क्या? नहीं होगा, ठीक? समझ में आ गया? तो ये उसका स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट को ध्यान पर रखेंगे, फिर से एक बार बता दिया था, क्या था, द इंड्यूस्ड EMF ऑलवेज, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज अपोजिंग द कॉज विच आर रेस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूसिंग टू इट। जिसको प्रोड्यूस कर रहा उसी क्या करता है, ये अपोज करता। किस तरीके से करता, क्यों करता, अब थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं, चर्चा करने का टाइम आ गया। तो दीदी अच्छे समझेंगे और एक एक चीज को समझेंगे, मैं बड़ा प्यारा सा डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। चेस्मा नहीं लगाती रे पागली, नाक ठीक नहीं लगा, चलो अब खुश, ऐसा ठीक। ये कॉइल है, तो अभी हंसा देता हूं, क्या बात करती है दीदी, हेल्ले खुश, चलो। तो एक कॉइल है,
एक कॉइल में गैल्वेनोमीटर, ठीक। अभी कॉइल में कोई करंट फ्लो हो रहा है क्या? नहीं, नहीं हो रहा अभी, फ्लो नहीं हो रहा, क्योंकि इसका जो मेन कॉज है वो तो है आया ही नहीं मैग्नेट, ठीक। तो हम क्या करेंगे, एक मैग्नेट को लेके आएंगे। दीदी किसको लेके आ रहे हैं? मैग्नेट। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। मैं नॉर्थ को लेके आ रहा हूँ टूवर्ड्स द कॉइल, याद रखना। ये अप्रोच कर रहा है, दो कंडीशन होता है, एक बार अप्रोच करता है, एक बार लीव करता है। ये क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है, और ये क्या करेगा? लीव करेगा, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो जब ये यहाँ से यहाँ तक आके अप्रोच करेगा ना, तब सोचो कि क्या होने वाला है। नेचर लव सिमेट्रिक, और नेचर क्या करता है, किसी भी चीज़ का जो चेंज होता है ना उसका, जैसे अभी मान लो चेंज, कल से मैं बोलूँगा सुबह 4 बजे क्लास लगेगा, आप उसका अपोज करोगे? आप नहीं चाहते किस चीज़ को चेंज करना, कोई भी चीज़ हो। मैं बोलूँगा डेली खाना कैसे खाते हो, बैठ कर आज से खड़े होकर खाना खाओगे? अपोज करोगे आप? नहीं समझ में? साइकिल कैसे चलाते हो, ऐसे चलाते हो? मैं बोलूँगा अब ऐसे चलाओ, अपोज करोगे तुम? सब अपोज करते हैं, मतलब जो चेंज आता है ना सब उसे क्या करते हैं, अपोज करते हैं। तो मान लो यहाँ पे, वही जंगल वाला कहानी सुनाता हूँ, समझना अच्छे से, है ना, बहुत गहरा जंगल है, समझना, डरना नहीं। तो एक जंगल है, मान ले एक जंगल में 3 तरीके के लोग हैं। कितने तरीके के लोग? बूढ़े, अबे बूढ़े नहीं, ये बच्चा था, पागल है, बच्चे, जवान और बूढ़े। बूढ़े झुक जाते हैं ना, इसीलिए बूढ़े, ठीक है। तो 3 कैटेगरी के लोग थे उस जंगल में, 50-50 की कैटेगरी थी, 50 बूढ़े, 50 बच्चे और 50 जवान, ठीक, को समझ गया, छोड़ दो। अब मान लो उस जंगल में कहीं से 20 बच्चे आ रहे हैं, तो उन 20 बच्चों से लड़ने के लिए 50 बूढ़े दौड़ेंगे कि कौन दौड़ेगा? 50 बच्चे ही जाएंगे, बोलेंगे भाई तू रुक मत आ इधर, बोलेंगे ना। तो यहाँ पे दीदी कौन आ रहा है? नॉर्थ आ रहा है। ये चाहता है कि नॉर्थ इसके पास ना आए, तो ये किसको भेजेगा? मतलब बच्चे आ रहे हैं तो अपोज कर रहे हैं, बच्चों को ही भेजेगा। अगर बूढ़े आएंगे तो किसको भेजेगा? बूढ़ों को ही भेजेगा। तो नॉर्थ आ रहा, तो ये चाहता है कि नॉर्थ पैदा करेगा भाई तू मत आ, क्योंकि तेरे आने से मेरे में क्या होगा, चेंज हो रहा है। चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं ऑलरेडी 50 बच्चे हैं, तुम 20 और आ गए तो हमारा एरिया खत्म हो जाएगा यार, अनकंफर्टेबल, समझ में आ रहा है? तो अब ये इधर आ रहे, जैसे ही आए ना तो ये उसे क्या करना चालू किया, अपोज करना चालू किया। और अपोज करने के लिए एक बात याद आया कि भैया ये तो मैग्नेट है, शेर से लड़ेगा शेर, समझ में आ, बच्चों से लड़ेगा बच्चा, तो भैया ये तो नॉर्थ था लेके आ रहा, मेरे पास तो नॉर्थ है ही नहीं। तो इसने क्या किया, ऑस्टर्ड का वो वाला एक्सपेरिमेंट को याद किया कि भैया अगर कोई वायर होगा, वायर में अगर करंट फ्लो होने से वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो क्या बनता, क्या क्या लगा इसको कि भाई मैग्नेट को भगाना तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए मुझे क्या फ्लो करना पड़ेगा अपने अंदर? करंट फ्लो करना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, अपने अंदर एक करंट फ्लो किया। तो करंट जो फ्लो किया उसका डायरेक्शन कैसा होगा, तो ये अपने ये इसके अपोजिंग में यहाँ पे एक नॉर्थ बनाएगा। तो नॉर्थ को मैं थोड़ा सा ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसा, तो आपको दिख रहा होगा कि ये ऐसा चल रहा, मतलब ये एंटी क्लॉक वाइज दिखा। तो ये क्या किया, अपने अंदर एक करंट फ्लो किया एंटी क्लॉक वाइज। नहीं समझ में? याद रखने का तरीका, नॉर्थ आ रहा तो एन बना दो और एन को ऐसा बना दो, तो एंटी क्लॉक वाइज दिखाई देगा, एक ऐसा दिखाई देगा। लेकिन इसको काउंटर क्लॉक वाइज बोला करो, काउंटर क्लॉक वाइज, ये ज़्यादा अच्छा साउंड करता है। और मैक्सिमम जो कंपटीशन वगैरह की बुक्स वगैरह में ना एंटी क्लॉक वाइज बहुत कम जगह देखोगे, काउंटर क्लॉक वाइज ही बोलते हैं इसको, क्योंकि क्लॉक वाइज से काउंटर पार्ट है ये, ठीक। मान लो कुछ टाइम के बाद ये यहाँ पहुँच गया, अप्रोच कर लिया, चलो हाथ पैर जोड़ के दोस्ती यारी हो गई इनकी, और रह गया वहाँ पे, अब यहाँ पे रह गया, स्टे कर गया, करंट तो बन गया। अब थोड़े दिन के बाद इसको इसकी मम्मी की याद आई, किसकी याद आई? मम्मी की। अब ये क्या बोलता है, मैं तो जाऊंगा, अब दोस्ती हो गई, तो ये क्या बोलेगा, मत जा यार। तो रोकने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? अब बच्चे जा रहे हैं तो रोकने की कोशिश बच्चे करेंगे कि बूढ़े करेंगे? बच्चे करेंगे। रोकना, किसी चीज को रोकना है तो रोकने के लिए क्या करेगा वो? अब भाई किसी चीज को आ रहा था, रोकना था तो मैं ऐसे ताकत लगा, अब वो जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है, तो रोकने के लिए क्या करूंगा, साउथ पैदा होगा। तो ये अपने अंदर फिर करंट फ्लो करेगा और अपने अंदर क्या बना देगा, साउथ बना दे। जाने इसलिए नहीं दे रहा, नेचर लव सिमेट्रिक दीदी। अब जैसे आप हो, 2-4 लड़कियां और आ गई, और 2-4 लड़कियां आ गई, समझ जाना उसका ना, ठीक है, आपकी दोस्ती हो गई। फिर कोई एक कोचिंग वाला आएगा, आपको बुलाएगा, समझाएगा कि वो लड़की ऐसी है,
समझ जाना, बात नहीं करना, फिर लास्ट में पूछ देगा कोचिंग में क्या चल रहा है, EMI, अच्छा वो तुम्हें कब का पढ़ा लिया, ठीक है, तो फिर आप समझना, ठीक है दीदी। तो इसीलिए क्या होता है, जाने का विरोध करता है। जैसे आपके घर में मामा मामी भाई बहन कोई भी रिलेटिव जब कजन्स आते हैं तो कितना खुशी होती है, खुशी होती है कि पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा दब दब के रहते हो ना, जब थोड़ा क्लोज हो जाते हो, जब वो जाते हैं तो आप लोग रोते हो कि नहीं रोते, मत जा यार, तो ये तुम्हारी बात, मैं बोला तुम इस प्लेनेट की हो ही नहीं। तो ये जब जाएगा ना तो इसे क्या करेगा, अपोज करेगा। अपोज करने के लिए इसको क्या पैदा करना पड़ेगा अपने अंदर, साउथ पैदा करना पड़ेगा। साउथ पैदा करने के लिए वो क्लॉकवाइज, कैसा क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा, मत बल ये अब ऐसा करंट बनाना चालू करेगा। कितने लोगों को कहानी समझ में आ गया, नहीं आई इसका रे, अब इसको लिखना भी है, नहीं आया दीदी, चलो तो इसको लिखने का तरीका यहां लिखा हुआ पूरा अच्छे से, जो समझाया हूं जैसा समझाया हूं वो चीज पूरा का पूरा यहां लिखा हुआ है। और मैं मजे की बात हूं, शाम को आपके कॉपी में भी आप ऑटोमेटिक लिखा जाएगा, ठीक समझ में आ गया। थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं दीदी के लिए। मान लो ऐसा, ना हंस रहा ना रो रहा है, बीच में है वो, दुखी मत रहा कर भाई, देख ऐसा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब महिलाएं आ रही हैं, अभी पुरुषों का तो काम खत्म, अब महिलाएं आ रही हैं। एक गांव में मतलब एक जंगल में 50 महिलाएं हैं, बच्चे 50 महिलाएं, 50 बूढ़ी महिलाएं, वैसे ये जाएगा पास तो कौन विरोध करेगा, विरोध करेगा कि अवरोध करेगा, दीदी बोलो ना, ये आएगा, ये बोलेगी ना, जब वो पास आ रहा है तो ये क्या करेगा, अपोज करेगा क्या, ये एक्सेप्ट करेगा, क्यों ऐसा आ रहा है, देख पागल है ये, बता है ना खत्म है, कब बोला मैं, कितने लोगों को कहानी समझ में आ गया भाई, क्या एक्सेप्ट करेगी अपोज करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। अबे सड़ा आदमी, हर कंडीशंस में वो क्या करेगा, अपोज करेगा, हर कंडीशंस में क्या करेगा, वो अपोज करेगा। अपोज किसका कर रहा है, वो एस साउथ का कर रहा है, तो पैदा किसका करेगा, वो साउथ पैदा करेगा। तो साउथ कैसा दिखता है बेटे, दिखा तो करंट कैसे फ्लो करेगा ये, किया कर दिया, तो ये यहां पहुंच गया। अब यही बोली, कोई नहीं बोलना, हाँ अब ये जाना चाहता है दीदी, हाँ, तो मतलब क्या बनाएगा, क्लॉक बनाएगा, एंटी क्लॉक बनाएगा, अरे साउथ जा रहा है, तो जाने नहीं देगा, हाँ तो कौन कौन पैदा होगा जो जाने नहीं देगा, अरे क्लॉक एंटी क्लॉक, नॉर्थ साउथ है, चिपकेगा ना दीदी, चिपक रहा ना नेगेटिव, अरे तुम भी मैग्नेट नहीं पड़ी लगता बचपन से, नॉर्थ पोल लोग क्या करता है, रिपेल करता है, और ये आ गया दोस्ती हो गई तो ये क्या करेगा, अट्रैक करेगा, रिपेल करेगा, अट्रैक करेगा ना, तो नॉर्थ किसको एक अट्रे, साउथ किसको अट्रैक करता है, छी नहीं आया समझ में, क्यों नॉर्थ बना, साउथ जा रहा है तो उसको जाने का अपोज करेगा, पहले आने का अपोज किया, दोस्ती हो गई तो अब जाने का अपोज करेगा, समझ में, सिंपल सी बात है यार, नो बकवास है यार, कैसे करती हो तुम यार दीदी। तो अब क्या होगा, ये किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, समझ गए, कहानी पूरी क्लियर है, यही था लेंज लॉ बेटे, लेंज लॉ आएगा तो इसको लिखने का, फिर इसको बनाने का, फिर इसको लिखने का, फिर इसको बनाने का, फिर इसको लिखने का, बोलो यच। और मजे की मेरे कल चीज बताता हूँ, मैजिक चीज बताता हूँ, देखना जाके इस क्या एक पेज में, वो आप लिख सकते, वो आपके ऊपर आर्ट है, मतलब हाँ चीट मारने के लिए बोलती, एक छोटे से पेज में, छी तो समझ गया ना। तो ये सब आपको देखना, रात शाम को याद भी हो जाएगा और आपके कॉपी में नोट भी हो जाएगा, देख लेना। अब आता सेल्फ इंडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक। सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या होता है, क्या हो रही थी, देखो बोलो मत समझो, सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक बेहतरीन चीज बताता हूँ, समझना बाकी लोग,
हाँ कुछ नहीं है उसमें प्रूफ, प्रूफ ठीक है। लेंज लॉ स्टेटमेंट पूछता है, स्टेटमेंट पूछा दो तीन दो नंबर का तो वो चिपका देना। स्टेटमेंट के बाद अगर ये पूछ लिया ना कि ये प्रोसेस भी बताओ, एक्सप्लेन डिप, देखो डिफाइंड द लेंज लॉ वो डिफाइंड कर देना, एक्सप्लेन द लेंज लॉ डेफिनेशन भी लिखना और दोनों पार्ट को एक्सप्लेन भी करना, ठीक। इस सैटरडे को टेस्ट है तुम लोगों का, किस चीज़ का? हाँ मैं आज ही डाल दूंगा, ऐप में आ जाएगा, ऐप में देख लेना सारी चीज़, अब ऐप में आएगी, हो सकता है आज नया ऐप मिल जाएगा आप लोगों को। चलो दीदी देखो अब अच्छे से ध्यान दो, सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या होता है। सबके घर में टीवी है, टीवी है, टीवी स्विच ऑन करने के बाद एक लाल कलर का लाइट जलता होगा यहाँ पे, यहाँ यहाँ कहीं पे भी छोटा सा लाइट, लाल कलर का लाइट जलता, देखे नहीं देखे? जब आप नोटिस किए कई बार स्विच को बंद करने के बहुत देर तक वो लाइट जलता रहता है, हुआ ऐसा? आज जाके देखना, अच्छी चीजें देखते ही नहीं है लोग। अब बोलेगा लाल कलर का लाइट ही नहीं मेरे यहाँ, तो फिर एक बल्ब लगा देना नीचे और देखना लगा के होगा। देखियो कि कितने लोग ऐसा एक्सपीरियंस किए, अरे कई लोगों के चार्जर में बिना लाइट हुआ करता था पहले, चार्जर को बंद करने के बहुत देर तक वो लाइट जलता रहता था, देखे वो? तो वही दीदी आप देखा हूँ बोलता है, सस्ती चीज़ों को पता है इसको लेकिन महंगी चीज़ों के बारे में पता नहीं है, ठीक। देखो मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ दीदी, ये कॉइल है, ये क्या है? कॉइल है और यहाँ पे एक बल्ब है और यहाँ पे क्या होगा, एक रजिस्टेंस है और रजिस्टेंस के साथ भी मैंने क्या लगाया, बल्ब। आप रजिस्टेंस के कैरेक्टरिस्टिक को अच्छे से समझते हो, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक डीसी सोर्स लगा दिया ऐसा करके और यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, ठीक है स्विच लगा दिया, ये बल्ब B1 है और बल्ब B2 है, इट इज़ अ कॉइल, इट इज़ अ रजिस्टेंस। द नेम ऑफ द कॉइल अभी आप इसका नामकरण करेंगे लेकिन प्रेजेंटली वी आर नोन एज अ कॉइल, ये क्या है? कॉइल है। चमत्कार देखो मैं क्या किया, सेटअप आपको समझ में आ गया, सेटअप समझ में आ गया, सेटअप में क्या किए, एक बल्ब पैर सीरीज में क्या जोड़े, एक कॉइल, एक अनदर बल्ब साथ सीरीज में क्या जोड़े, रेजिस्टेंस का मेन काम क्या है, जितना इसको करंट चाहिए उतना ही उसको स्टडी करंट, मतलब वो उसकी जो स्पीड है उसको स्लो कर देगा, जस्ट लाइक अ ब्रेकर, जो आपके गाड़ी का ब्रेक है, साइकिल का ब्रेक है, सॉरी रोड का जो ब्रेकर होता है वो क्या करता है, आपकी स्पीड को इन्हांस करता है कि कम करता है? कम करता है, वो स्पीड को क्या करता है, कम करता है। तो मुझे इतना भी चाहिए ना, जैसे स्विच ऑन करोगे तो कुछ चमत्कार वाली बात है ना, जैसे स्विच को ऑन करोगे ये जल जाएगा, तुरंत जल जाएगा, विद इन अ सेकेंड जल जाएगा, इसको जलने में फ्यू सेकेंड टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़े टाइम के बाद ये जलेगा, जल गया तो काम तो हो गया अपना। अब मेन काम, जब इस स्विच को आप क्या किए थे, अभी ऑन किए थे, अब इस स्विच को मैं क्या कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ स्विच को, जैसे ही ऑफ करोगे तो ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, तुरंत इसको बंद, मतलब ये करंट क्रिएशंस का काम क्या है, बस कंट्रोल करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना, वो तुरंत भाई करंट नहीं मिला तो कंट्रोल किसको करेगा, तो बंद कर दिया, ठीक है। फिर ये क्या करता है, थोड़ी देर तक जलता रहता है, थोड़ी देर तक, ऐसा क्यों? अब उस कहानी को समझा रहा हूँ, दिमाग से समझना बहुत मस्त चीज़ है। हम उस कॉइल को थोड़ा सा बड़ा करके समझते हैं, कॉइल को क्या करते हैं, बड़ा करके समझते हैं, जूम करके, जैसे आप मोबाइल में जूम करते हो ना बूम, तो ये जूम, समझ में नहीं समझ में? अब सोच क्या हो रहा होगा, देख भाई इंपॉर्टेंट चीज़ है, नींद नहीं आना चाहिए, मुंह फाड़ा मतलब क्लास से बाहर, एक बार भी मुंह फाड़ा मतलब क्लास से बाहर, ध्यान रखना। देख भाई अभी बल्ब को जलने के लिए करंट यहाँ तक पहुँचना चाहिए, सोचना कितने लोग, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कितने लोगों को मैं पूछूंगा नहीं, अब अपने से मतलब पूछूंगा नहीं कि बता कैसे हुआ, ऐसा नहीं पूछूंगा, बस फील कितने लोगों को हो गया वो मुझे बता देना, ठीक है तैयार हो? अब देखते हैं कि लेडीज़ लोग भारी हैं कि लेडे लोग भारी हैं, ठीक है देखते हैं। तो देखो भाई यहाँ से करंट आया, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, याद रखना हम इतने दिन से जो पढ़ रहे हैं, अगर वायर स्ट्रेट है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाता है, सर्कुलर, वायर स्ट्रेट है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, अगर वायर सर्कुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है,
स्ट्रीट बोल सकते हैं, कैसे बनता है? ये दो चीजें ध्यान पे रख लो। तुम ये बताओ, अगर इसमें करंट अगर फ्लो हो रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनाएगा? सीधा स्ट्रेट बनाएगा। कोशिश की, चलो ये सोचो कि करंट पहले यहां तक आया, ऐसे क्यों आया यार? पाइप है, पाइप को मैं ऐसे लपेट दिया, स्विच को ऑन के डायरेक्ट पानी यहां जाएगा क्या? पाइप भैया पहले फ्लो होगा ना पूरा, फिर वहां तक पहुंचेगा। तो दीदी हुआ क्या पता? इसी बीच तो क्या बेहतरीन माइंडेड लोग थे यार, क्या सोचते थे इन लोग, सोचना। देख माही, जैसे ही करंट इसमें से फ्लो होगा तो ये क्या करेगा? एक मैग्नेटिक लाइंस बनाएगा। क्या बनाएगा? ये मैं अच्छा, सडनली पूरा करंट थोड़ी गया होगा, धीरे धीरे करंट जाता है ना भाई। तो जैसे जैसे करंट आ रहा होगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। जब पूरा करंट आ गया तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड बन गया। ये मैग्नेटिक लाइंस इससे पास हुआ तो इसमें क्या बना दिया? ये फ्लक्स। लेकिन ये फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई? करंट धीरे 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 आ रहा तो मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे स्ट्रांग होता गया, समझ में? तो इसके फ्लक्स में क्या हो गया? चेंज हुआ। जैसे ही फ्लक्स में चेंज हुआ तो फैराडे क्या बोला था? जहां पे भी फ्लक्स में चेंज होगा वहां क्या डेवलप होगा? ईएमएफ। क्या बनेगा? एक ईएमएफ बनेगा। और ये ईएमएफ और ये करंट हमेशा किसका अपोज करेगा? उसका अपोज करेगा जो उसको पैदा कर रहा है। बात समझ में? तो भाई ये चाह रहा है कि मैं आगे बढ़ूं, और ये जो अपने अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है, ये जो ईएमएफ और करंट बनाएगा वो क्या करेगा? इसका अपोज करेगा। नहीं समझ में आया? इसको बोलते हैं मेन करंट, इसको क्या बोलते हैं? मेन ईएमएफ बोल दे रहा हूं। और इसको क्या बोलते हैं जो इसका अपोज कर रहा है? इसका नाम है बैक ईएमएफ। क्या बोलते हैं इसको? शायद आप 12th की बुक्स में ना पढ़ो लेकिन समझ लो उसका रीजन बता रहा हूं। इसको क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ। ये किसका अपोज कर रहा है? मेन वाले का। इस बढ़ने नहीं दे रहा, लेकिन ज्यादा ताकतवर ये होगा कि ये होगा? पैदा करने वाला ताकत होगा कि जो पैदा हो चुका वो ताकतवर होगा? पैदा करने वाला मतलब मेन ज्यादा स्ट्रांग है तो वो उसका क्या कर रहा? अपोज कर रहा। फिर मेन क्या लड़ते लड़ाते आगे बढ़ गया, वो कहां बढ़ा? आगे आगे बढ़ गया। तो अब दो मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, अब दो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। तो जब दो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे तो अब क्या होगा? और थोड़ा सा स्ट्रांग पैदा होगा। अब ये मेन का फिर अपोज करेगा, फिर मेन का अपोज करेगा तो मेन उससे थोड़ा सा ओवरकम करके आगे बढ़ेगा। ऐसे करते 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 टाइम लग जाता है यहां तक पहुंचने में। बात समझ में? इसीलिए वो थोड़ा सा देर में जला, इसीलिए थोड़ा सा वो देर में जला। अच्छा अब क्यों नहीं अपोज हो रहा? अब मैग्नेटिक फ्लक्स तो बना रहा है लेकिन अब उस फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा। क्यों चेंज नहीं हो रहा? क्योंकि अब पूरा फ्लो हो गया ना भाई। ठीक, समझ में आ गया? अब क्या हुआ? तो जल गया, जलने में टाइम लगा, रीजन समझ में आया। अब क्या हुआ? अब मैं स्विच को क्या कर रहा हूं? ऑफ कर रहा हूं। दीदी ऑफ करूंगा तो यहां करंट डायरेक्ट ऑफ होगा कि यहां से कम होकर बंद होते होते आगे जाएगा? यहां से बंद होते हुए जाएगा। जैसे बंद होगा तो अब ऑलरेडी क्या चल रहा था? करंट फ्लो हो रहा था, तो उस करंट फ्लो होने से क्या बन रहा था? फ्लक्स चेंज हो रहा था, फ्लक्स कॉन्स्टेंट था। जैसे यहां पर बंद हो गया तो फ्लक्स में चेंज होना चालू हो गया। भाई जब पानी आप चालू करते हो तो नल में जब पानी आता है तो सडनली पूरा आता है कि धीरे से स्पीड हो जाता है, फिर कंटिन्यू स्टडी हो जाता है, फिर जब आप बंद करते हो तो स्टॉप हो जाता है कि धीरे धीरे कम होता है। सिमिलरली है, जैसे स्विच को ऑफ करोगे तो तुरंत तुरंत करंट बंद हो जाएगा, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो डेवलप है ही ना ऑलरेडी, तो वो धीरे धीरे कम होगा। तो धीरे धीरे कम होगा तो क्या होगा? वो अपने अंदर क्या बना देगा? बैक ईएमएफ बनाएगा। ये बैक ईएमएफ उसको जलने में थोड़ा सा हेल्प करेगा थोड़ी देर तक। समझ में आ गया? यही था किसके बारे में? सेल्फ इंडक्टेंस। मतलब एक ही कॉइल में करंट फ्लो करने से वो अपने अंदर क्या बना दे रहा है? वो ईएमएफ अगर इंड्यूस कर देता है तो दैट इज कॉल्ड बाय सेल्फ इंडक्टेंस। कहानी समझ में आ गया? कितने लोगों को पूरी कहानी फुल ऑन फील के साथ आ गया? हाथ उठाओ। नहीं, इसको छोड़ दो, बाकी नहीं है। अरे सीबीएसई वाली दीदी, अबे भूत लोग, इसको भी बनाना, इसको भी बनाना, इसको लिखना है। द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ अ कॉइल चेंजिंग द करंट पासिस थ्रू इट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। समझ में आ गया? अब सेल्फ इंडक्शन को लेके कुछ चीजें ध्यान पे रखना। इसको प्रोसेस को शायद लागे है, प्रोसेस लिखवाया हूँ। ओ तेरी, प्रोसेस नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, उड़ा दो, पूरा लिखवा दूंगा मैं। ठीक है, अभी बहुत, अभी तो मेन कहानी स्टार्ट है दीदी, हो सकता है शाम तक चैप्टर रैपअप कर दूंगा आज।
देखो अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, तुमसे एक बात पूछता हूं भैया, ये जो फ्लक्स जो बन रहा है ये किस पे डिपेंड है? तो आप बोलोगे कि जो मेन करंट आ रहा है उस पे डिपेंड है। करंट अगर कम रहेगा तो फ्लक्स कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा? कम हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कम बनेगा। अगर करंट ज्यादा है तो फ्लक्स ज्यादा होगा। तो एक बात समझ में आ गया कि जो फ्लक्स है ना वो किसके प्रोपोर्शनल है? करंट के। तो इसको लेते हैं फाई और इसको लेते हैं आई। इसको हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड बाय एल, वेयर एल इज अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। इट इज ऑल्सो, इट्स ऑल्सो नोन एज एज सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं क्या करूंगा, फाइ इज इक्वल टू एल आई आ गया, रट डालो अब। फाइ इज इक्वल टू एल आई, एल इज इक्वल टू क्या होगा? फाइव बाई आई। अब सबसे पहले किस में आते हैं? एस आई। एस आई यूनिट में फाइव, फाइव क्या है? फ्लक्स। फ्लक्स का सही फॉर्म है यूनिट बंटाधार, दैट्स गुड। सो बोलते हैं बेबर, ठीक। क्या कुछ टेस्ला उसला मत बोल देना भाई, फिर ग्रहण लग जाएगा, फिर सुना दूंगा मैं। वन बेबर इज इक्वल टू दीदी, अरे दीदी तुम फिर इधर उधर निकल जाती यार। हाँ 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 पक्का पता, केजी मीटर क्यूब बोलो। हाँ मीटर स्क्वायर अपॉन में, अब मैं निकाल के दिखाता हूँ, गलत होगा माँ कसम दोनों का सर लूंगा, पटक से पटक दूंगा, ध्यान रखना ठीक है। फ्लक्स ना बी इंटू ए होता है, बी का होता है टेस्ला, ए का होता है मीटर स्क्वायर, वन टेस्ला का होता है न्यूटन पर न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, ठीक। सिर्फ देखते जाएंगे दीदी, वन न्यूटन को लिख सकता हूँ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑलरेडी एक मीटर बचा हुआ है और यहाँ पे बचा एम्पियर, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पियर सेकेंड स्क्वायर। सड़े लो कॉपी पलट के देखो और बताओ, जल्दी बताओ, मैं एसी चालू कर देता हूँ, थोड़ा सा सफोकेशन हो रहा है। अरे बारात में आई हो क्या? पलट के देखो क्या है। अरे बी का होता है न्यूटन, टेस्ला को क्या लिखते हैं? न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। दो मिनट फैन ऑफ रख रहा हूं ना, स्प्रेड हो जाता है इससे। पलटो पलटो पलटो, मैं रुक जाओ रुक जाओ, मैं निकाल के दिखा रहा हूं। हाँ रुको रुको, बी का होता है न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, बहुत बड़ा बढ़िया। टेस्ला का उसका होगा मीटर स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अब केजी को केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक एक बार मीटर कट गया, और सुधार लो मीटर स्क्वायर है वो। सब क्यों लिखे हो? बताऊं वो मैं लिखा सही होगा, तुम राइटिंग नहीं समझ पाए होंगे, फिर सब एक ही जैसे लिख दिए। ये होगा भाई इसका, समझ में आ गया क्यों होगा? रीजन सुन लो फटाफट फटाफट सुन लो, B इज इक्वल टू होता है एफ बाई एम। तो दीदी छोड़ो, B इज इक्वल टू क्या होता है? एफ बाई एम। एफ का क्या होता है? न्यूटन। एम का क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ। एम्पेयर इंटू मीटर लिख दिया, एम्पेयर इंटू मीटर। न्यूटन को क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
एक एक बार एक कट गया तो एक बार मीटर बचा हुआ है, अब के नीचे क्या बचा, एम्पियर बचा, तो खाली क्या बच गया, ये मीटर जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पियर इंटू सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ गया, सुधार लेना, अभी मत सुधारना बाद में सुधार लेना। तो किसका, ये पागल लोग मेरे को कंफ्यूज किए होंगे, चार्ज का हो जाता है एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड चार्ज का हो जाता है। चलो ठीक है, करेक्शन कर लो, छोटा छोटा हो जाता है यार कभी कभी। चलो देखो, फाइ इज इक्वल टू क्या था, एल इज इक्वल टू फाइ बाय आई, फाइ का क्या था बेबर, आई का क्या था एम्पियर, बेबर पर एम्पियर को बोलते हैं हेनरी, क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है हेनरी, याद रहेगा नहीं रहेगा, ठीक। वन हेनरी को मैं कैसे लिख सकता हूं, बेबर का अभी निकाले थे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पियर इंटू सेकेंड स्क्वायर, और नीचे क्या चल रहा है एम्पियर, ये इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर साथ में सेकेंड स्क्वायर। नहीं समझ में, डाउट है कहीं पे? अब इसका डायमेंशनल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एल पढ़ अपन सी पढ़ चुके हैं, कैपेसिटर रेजिस्टेंस पढ़ चुके हैं, और एल हमेशा पूछता है, तो एल का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, एम एल टी है, किलोग्राम वन टाइम, लेंथ टू टाइम, सेकेंड माइनस टू टाइम, और ये करंट टू टाइम। समझ में आ गया, ये क्या था हेनरी, याद रहेगा नहीं रहेगा? चलो इसको ना लिखवाऊंगा, इसके ना इसके पीछे ना आप इसके बाद ना इस डायग्राम के बाद ना आप करीब करीब ना आधा पेज छोड़ देना, ये कई बार डेफिनेशन भी पूछता है सेल्फ इंडक्शन का, और कई बार इसका प्रोसेस पूछेगा, और इसका सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशियंट का यहाँ तक निकालने के लिए बोलेगा। सेल्फ इंडक्टेंस समझ में आ गया। अब इसका सिंबल हमने बनाया, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक मिल गया हमको, एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक था, क्या कैरेक्टरिस्टिक था कि कहीं पर भी अगर करंट अगर फ्लो हो रहा है ना, तो करंट को सडनली आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, ये क्या कर रहा है, ये अपने अंदर बैक ईएमएफ बना रहा है, मेन ईएमएफ का अपोज कर रहा है, फिर थोड़ी देर में बना देता है, फिर जैसे बंद हो जाता है तो ये थोड़ी देर तक अपने आप में क्या करता है, चलता रहता है, ठीक है। सेम वैसे ही जैसे आप नल में पानी को बंद कर देते हो, फिर भी थोड़ी देर तक पानी क्या रहता है, टपकता रहता है, तो सेम फिनोमेना को ये एक्सेप्ट करता है, तो इसको लिखना भी बनता है, तो मैं इसको लिखवा दूंगा आपको, ठीक है, अभी भी लिखवा सकता हूँ ऑनलाइन, लेकिन चलेगा, मैं आपको इसके लिए इसके बाद आप थोड़ा सा पेज छोड़ना, उसके बाद इसको लिखना। सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन, सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन के बाद इसको बनाना, इसके बाद फिर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। हाँ, पहले समझ में क्या लिखना है, पहले क्या लिखना है, पहले इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, फिर आधा पेज छोड़ना है, फिर इसको लिखना है, ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट है और डेरिवेशन है, तो देखो कैसे कैसे बनाते हैं, मस्त डेरिवेशन है, ना समझ में आए तो कहना। सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशियंट फॉर लॉन्ग सोलेनोइड, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, लॉन्ग सोलेनोइड लिया, मस्त टॉपिक है, समझ लो, खत्म हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन से, तो शाम को छोटा छुटपुट कुछ बचा हो खत्म कर दूंगा, तो आज चैप्टर रैप अप हो जाएगा, कल से स्टार्ट हो जाएगा, एक एसी चल रहा है, एक और एसी चालू हो जाएगा कल से, ठीक है, और देखते हैं एसी उड़ा देते हैं कैसे, एसी खत्म होने के बाद सब छोड़ के हम पहुंच जाएंगे ऑप्टिक्स, वो अपने आप में अमेजिंग चीज़ है, मैं तो इसलिए उसको ऑप्टिक्स इस समय स्टार्ट करता हूँ ना, कि जो बच्चे पढ़े नहीं रहते हैं ना, कई बच्चे पढ़ाई नहीं किए रहते हैं, तो आपका अगर 15-20 अक्टूबर के आसपास अगर ऑप्टिक्स होता है, तो आप ये मान के चलो बोर्ड की तैयारी तब से चालू कर दो, ऑप्टिक्स में टोटल 4-5 चैप्टर है, उसको पहले वहीं से तैयारी चालू कर दो, वो एक ऐसा चीज़ है ना कि आदमी भूलता नहीं जल्दी, अब बहुत मजा आएगा, बहुत इंजॉय करोगे ऑप्टिक्स को, तो देखते जाओ। सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट फॉर द लॉन्ग सोलेनोइड, यार लॉन्ग सोलेनोइड किसको बोलते हैं, एक ऐसा रहता है और इसमें क्या रहते हैं, बहुत सारे इंसुलेटेड कॉपर के वायर्स होते हैं, पता है ना दीदी, ऐसे बहुत सारे कॉपर के क्या होते हैं, वायर होते हैं, मान लो इसका जो कंप्लीट लेंथ कितना है, एल है,
मान लो कि जो इसका यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो एन है. एन किसको बोलते हैं? द नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ. रिपीट करो मेरी बात. द नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ. मतलब एक यूनिट लेंथ में इतने टर्न्स मिलेंगे, तो टोटल टर्न कितने होंगे? टोटल टर्न इन द सोलेनोइड कितना हो जाएगा? भाई यूनिट लेंथ में इतना, तो टोटल लेंथ का निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा. एक सेंटीमीटर के लिए इतना था, तो 10 सेंटीमीटर के लिए तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो. समझ में आया ना मेरी बात? तो ये NL हो गया. इसको भी याद रखें, N इज इक्वल टू N by L. इसको भी याद रखें. नहीं समझ में दीदी? आया कुछ? अब देखो, लेट अस कंसीडर, ये सब संडे को खत्म हो जाना था, कल कुछ और स्टार्ट होता. आज अपन AC के सर्किट्स में होते, अभी शाम तक सातों सर्किट भी कंप्लीट हो जाता, ट्रांसफार्मर वगैरह वगैरह बताता, दो तीन दिन में वो भी निपट जाता. लेकिन हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो करके मुझे भी डुबा दिए. लेट अस कंसीडर एन आइडियल. कौन सा ले रहे हैं अपन? आइडियल सोलेनोइड ऑफ लेंथ L एंड तो मेरे को टी ची 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 बोला, बज रहा क्या? बज रहा टी ची 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 ची. अच्छा वो सब्जी वाला भी गुजर नहीं रहा है, वो कुछ बुलाता है, बोला क्या बज रहा है? सब्जी ले लो बोलती. फिर लेंथ L एंड लेट अस कंसीडर एन आइडियल सोलेनोइड ऑफ द लेंथ L एंड नंबर ऑफ टर्न्स. इसको लिखना पड़ेगा ना, नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ. पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल n, देन द टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना हो जाएगा? NL. और N इज इक्वल टू कैपिटल N बाई L. यहां तक किसी को क्या समस्या हो तो बताओ. ठीक. When I current, कितना करेंट? I current passing through it, the induced magnetic field, the induced magnetic field on it B is equal to mu naught NI. रट डालो बोला था, मैं याद करो सोलेनोइड का बोला था ना, याद करो, रट डालो. और ये कहां पे? सेंटर पे, यहां पे. साइड में बोलेगा हाफ कर देना. दीदी बोला था कि नहीं बोला था? लेकिन तुम करे नहीं होंगे, उम्मीद करता हूं. यहां तक समझ में आया दोस्त? नहीं समझ में आया? अब हमको निकालना क्या था, हमको पहुंचना कहां पे? फाई इज इक्वल टू LI. फाइ इज इक्वल टू LI. तो अब क्या होगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी तो है. इसका क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया. हमको एरिया चाहिए. देखो एरिया ऐसे ऐसे होगा, वहीं से तो लाइंस गुजरेगा, तो वही फ्लक्स बनाएगा. देन द फ्लक्स, देन द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन द सोलेनोइड कितना हो जाएगा? फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है? फ्लक्स एक है कि बहुत सारे लाइंस हैं? एक है कि बहुत सारे हैं? बहुत सारे हैं ना. स्मॉल एन लूंगा कि कैपिटल एन लूंगा? क्यों? टोटल का निकाल रहे हैं ना भाई हम. नहीं आया दीदी? डराओ मत ऐसा ऐसा करके. कैसा कर रही हो? एन के साथ क्या आ जाएगा? बी ए. भाई ये बता अंकित, कैपिटल एन क्यों लिए, स्मॉल एन क्यों नहीं लिए? जब फ्लक्स बनेगा तो भाई एक कॉइल है कि बहुत सारे कॉइल है? कितने कॉइल है? एन कॉइल्स है. तो पूरे का मैं लूंगा, पूरे में फ्लक्स बनेगा. मतलब मान लो कि अगर ऐसा ऐसा करके दिया, अगर मैं कोई एक चीज अगर अंदर ऐसे फेंकता हूं तो एक को पास करे, सबको पास करते हुए जाएगा.
तो फ्लक्स सब में बनाएगा। तो फाइ इज इक्वल टू एन, बी ए का वैल्यू था म्यू नॉट एन आई, साथ में क्या आ गया ए। नहीं आया समझ में, इतना आसान है बे, कुछ थोड़ी किए, ये याद था, ये हमने निकाला फ्लक्स। क्यों निकाला फ्लक्स? क्योंकि फ्लक्स निकालूंगा करंट से डिवाइड करूंगा तभी इंडक्टेंस आएगा। नहीं आया दीदी, तो ऐसा तो मुंह मत बना यार प्लीज। स्मॉल एन का वैल्यू कितना होता है? बहुत बढ़िया, तो फाइ इज इक्वल टू एन एल म्यू नॉट एन आई, साथ में क्या होगा ए। तो फाइ इज इक्वल टू म्यू नॉट एन और साथ में आई, एन स्क्वायर एल ए हो जाएगा। नहीं समझ में, ये क्या निकाला मैं? फ्लक्स निकाला। अब फ्लक्स से मुझे क्या निकालना है? इंडक्टेंस, सॉरी सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशियंट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें ला के रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे वी नो दैट, क्या लिखोगे? वी नो दैट क्या हो जाएगा? फाइ इज इक्वल टू एल आई, देन एल इज इक्वल टू फाइव बाई आई, स्मॉल लिख लिया ना, कैपिटल मत लिखना कॉन्फ्यू। अब इसमें आधे लोग बेहोश हो जाएंगे, कैपिटल लिखे थे स्मॉल कैसे लिख दिए, मैं स्मॉल ही लेके चल रहा हूँ। फाइव बाई एल आई, फाइव का वैल्यू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई एल ए बाई क्या हो गया आई। अभी जाके ना स्टेट बोर्ड वालों और सीबीएसई वालों इस पोर्शन को देखना बेटे, कितने बार रिपीटेड है ये, भरमार बार रिपीटेड हुआ है क्वेश्चन, कितने बार। कुछ करना था क्या? कुछ करना था, लेकिन लिखना तो आना चाहिए दीदी, बिना लिखे तो मार्क ऐसा नहीं, मैं इसको बनाऊंगा, इसको बनाऊंगा, इसको बनाऊंगा, इसको बनाऊंगा। लेकिन ये है ना, ये जो है ना, ये समोसे की चटनी है दीदी, मोमो, अरे बोलने तो देता आलू नहीं है। अब एक गाना था ना, जब तक रहेगा समोसे में आलू, तो है ना, अब का पागल है। अब तो समोसा तो ऐसा ऐसा बनने लगा कि आलू की जरूरत ही नहीं है। मोमो समोसे, चिकन समोसा, मटन समोसा, फिश समोसा, है ना, आलू की तो माँ मैंने एक कर दिया, साइड ही कर दिए उसको। तो आजकल वो ट्रेंड खत्म हो गया, आजकल कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये कौन कौन गांव से हो? हाँ इसीलिए ठीक है, हम लोग इंडियंस इंडिया से, इसीलिए हम लोग नहीं खा पाते हैं भैया। ठीक है, समझ में आए? वो तुम देख लो, हम तो नहीं मानते भाई। देखो यहाँ तक समझ में आ गया? तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ना राज छुपा हुआ है, वो राज मैं बता रहा हूँ आज, तुम लोग माँ कसम खाओ किसको नहीं बताओगे। पापा को क्यों परेशान कर रही पगली? कोई अगर तुमको बोले कि डिफाइंड योर फादर एज वन वर्ड, तो अपने पापा को एक वर्ड में कैसे डिफाइन करोगे? क्या है वो आदमी, क्या मायने रखता है वो आदमी आपके लिए इस दुनिया में? बोलते हैं ना कि माँ के बिना जीवन अधूरा, तो पापा, क्योंकि पापा ही पूरा जीवन है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी सोचना इसके इस चीज के बारे में, ठीक है, क्योंकि तुम भी कभी ना कभी बनोगे पापा। ऐसे ही था एक क्लास ना, लड़के से सबसे पूछा क्या बनोगे क्या बनोगे क्या बनोगे, एक बदतमीज खड़ा हुआ बोलता सर पापा बनूंगा वो तो सब बनेंगे पागल। फर्स्ट ये किस पे डिपेंड करता है कि भैया इंडक्टेंस कब बढ़ेगा? जब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट में आप क्या कर दो और पास पास कर दो, इंडक्टेंस बढ़ जाता है। ठीक, और क्या तरीका है इंडक्टेंस बढ़ाने का? इंडक्टेंस बढ़ाने का दूसरा तरीका ये है कि आप लेंथ को बढ़ा दो, पहले इतना था इतना कर दो, तब भी इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। आप खुद से लिखोगे, यहाँ पे खुद से लिखोगे, मैं तो जगह ही नहीं छोड़ी थी, ऐसे ही करती है। यहाँ पे लिखोगे माताओं, इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ पर यूनिट नंबर ऑफ टर्न्स, दैट मीन्स इंडक्टेंस इंक्रीजेस व्हेन द नंबर पर व्हेन द नंबर ऑफ यूनिट अरे नंबर ऑफ यूनिट और टर्न्स आर इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ द इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, दैट मीन्स इंडक्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज वेन द लेंथ आर इंक्रीजेज। ये पूरी चीजों को खुद के वर्ड से लिख के लाओगे तो लिख लेगा, बता रहे रिकॉर्डिंग देखिएगी ये कौन सा भी आ जा रहा है, एल प्रोपोर्शनल टू ए, जो ऐसा क्रॉस सेक्शन एरिया था ना इतना था, उस क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा दो तब भी क्या हो जाता है इंडक्टेंस बढ़ जाता है। ये फैक्टर्स हैं, कई बार इन लोगों के गांव में ऐसा होता है, सीबीएसई वालों में क्या करता है कि ना ये पूछेगा और डिपेंडेंसी पूछ देगा, तो डिपेंडेंसी में तीन डिपेंडेंसी मस्ट है, वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ लेंथ पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है। एक बहुत अच्छा काम ये हुआ कि टाइम अलग हो गया
है ना, वो 11th में एक बंदा बैठता है सिर्फ और सिर्फ इधर ही देखता है, पूरे बोर्ड में कहीं नहीं देखता है, सिर्फ इधर ही देखता रहता था, उसके लिए मजा आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? तो ये क्या था? सेल्फ इंडक्टेंस। किसी कुछ सा क्या शंका डाउट है तो पूछ लो, देख लो, फिर हम बढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। अरे दीदी अब तो भागना है, छुट्टी मिला मतलब उसका अपन फायदा उठाएंगे दीदी, कमिटमेंट है, फुलफिल करूंगा, जो जो कमेंट किया हो ना सब फुलफिल होगा दीदी। बोला था डिजिटल बोर्ड में पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, कोई चीज़ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, सब कर रहे हैं बेटे। क्या है, तो हंसती है इस बात पे? क्या पढ़ी थी कुछ है? अरे अब तुम लोगों को सोचना है ना भाई, बोर्ड एग्जाम है, देखो 12 साल का पाप धोने का मौका मिला है तुमको, और अच्छी बात है कि तुमको इतने, देखो बिना मेंटोर के ना, बोलता है ना चाणक्य की एक वो स्टेटमेंट है, तुम लोग इंग्लिश वाले लोग, इंग्लिश में नहीं बोल रहा हूँ मैं क्योंकि मतलब, तो इसीलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। चाणक्य एक बात बोले थे पता, और इस बात को बहुत स्ट्रिक्टली समझना और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट लाना। चाणक्य बोले थे कि मुझे अगर गुरु मिले तो मैं अपने गुरु के ज्ञान का उपयोग करके मैं आगे बढ़ूंगा। इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ को सीखने के लिए अगर कोई एक्सपीरियंस अगर अपना दे रहा है ना, तो उस एक्सपीरियंस को लूँगा। इसका मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ। अगर आप रोड में कहीं जा रहे हो, ठीक है, और कोई बंदा आपको बोल दे बेटे संभल के जाना आगे बहुत सारे गड्ढे हैं और तीसरे नंबर का गड्ढा बहुत खतरा है, गिर जाओगे आप। आदमी दो तरीके का होता है, एक क्या होता है, यस सर, थैंक यू सर, और वो उस चीज़ में बच के निकल जाएगा, टाइम बचा कि नहीं बचा। एक और क्या होगा, हट्टा, खुद एक्सपीरियंस करूँगा, फिर सीखूँगा, फिर आगे बढ़ूँगा, इसमें क्या होगा, समय चला जाएगा। और इस तक पहुंचने के लिए ये जो रेरो एरो दिख रहा ना, इस तक पहुंचने के लिए 20 साल से ऊपर लग गए। अब तुम बोलोगे नहीं मैं खुद सीखूंगा, फिर खुद देखूंगा, फिर जाऊंगा, तो 20 साल बाद तुम 12th का एग्जाम दोगे, वो भी कब, जब तुम जेईई और नीट वालों को 20 साल तक पढ़ाओगे तब। बात समझ में? तो चाणक्य का स्टेटमेंट क्या था कि भाई दूसरों का एक्सपीरियंस लो और आगे बढ़ो। आपको पता जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सबके पास एक मेंटोर होते हैं जो उनको गाइड करते हैं कि नहीं आपको ऐसा करना चाहिए। जो मोदी जी का जो स्टेटमेंट रहता है वो खुद ही बोलते हैं क्या, अरे बेटे एक एक अक्षर जो होता है ना, उनके मेंटोर्स जो होते हैं, उनको जो गाइड करने वाले लोग होते हैं वो बताते हैं। तो मोरल द स्टोरी, तुमको इतने अच्छे अच्छे मेंटोर्स मिले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो उनका इम्प्लीमेंट, उनका नॉलेज का यूज़ करो और आगे बढ़ो। समझ में? नहीं समझ में? नहीं मैं तो खुद अपने लैंग्वेज में लिखूंगा, मैं खुद ही चेक करूंगा, तो गलत हो जाएगा दोस्त। समझ में आ गया? सेल्फ इंडक्टेंस कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस में एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इन लोगों में आता है, तुम लोगों में आता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। सुने हो ना? मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, उसके साथ फिर क्लास ऑफ कर देंगे, तो थोड़ा सा भी टाइम टेकन क्लास है, अभी करीब करीब और चलेगा 1.5 घंटा, क्योंकि बड़ा टॉपिक है। तो अभी अपन बात किस में कर रहे हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। किस पे बात कर रहे हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस का एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ, एकदम सिंपल। कोई अगर तुम जा रहे हो, मान लो रास्ते में कोई वो मिल गया, कोई मिल गया, रिक्शा वाला मिल गया, तुम लोग ये कभी सोचो कि मैं रिक्शा वाला ही क्यों बोलता हूँ बार बार? सोचे, क्वेश्चंस वही ज़्यादा पूछते हैं। रिक्शा वाला मिल गया और तुमको बोले कि बेटे म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब बता दे, तो आप कैसे बताओगे? सिंपल तरीका, बोलना अंकल आप वहाँ खड़े हो, यस मैं यहाँ खड़ा हूँ, हाँ मैं थोड़ी देर करूंगा अंकल, जैसे कर रही थी थोड़ी देर पहले, तो अंकल भी क्या करेंगे थोड़ी देर के बाद, करेंगे कि नहीं करेंगे? होता कि नहीं, तो देखे हो कि नहीं देखे हो? मैं अक्सर देखा हूँ क्लास में एक जन किया पूरा क्लास साला थोड़ी देर के बाद ऐसे करना चालू करते हैं, ठीक है। तो बिना छुए किसी चीज़ को कोई चीज़ ट्रांसफ़र कर देना, उसी को क्या बोलते हैं? नहीं समझ में? देखो अब इसको समझो, ये ऐसा है दीदी, ठीक है, मैं एक डीसी सोर्स ले रहा हूं, लेकिन मोस्टली अपन यहां पर डीसी सोर्स नहीं लेते, अपन एसी सोर्स लेते हैं, ठीक। ट्रांसफार्मर में इस चीज को पढ़ोगे नहीं, अभी तुमने एसी पढ़े नहीं हो, तो जो चीज नहीं पढ़े उसको कैसे ले सकता हूं, ठीक है। समझा अपनी बहन को, भाई कैसा कैसा भाई की भाई की बातें कर रही है। फिर से मैं भावनाओं में बह जा रहा हूं यार। अंकित, हाँ तो बोल,
अरे यस बोल, हाँ बोला कर, कहाँ होगा छार, देखो कुछ नहीं कर रहा हूँ। क्या दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं? दोनों के बीच में गैप है, मैं करंट इसमें फ्लो करूंगा। अरे इधर क्यों ऐसा कर दिया, मैं करंट इसमें फ्लो करूंगा, मैं करंट इसमें फ्लो करूंगा। मैं छोटा सा वो भी लगा लेते हैं स्विच, तो इसमें भी डेवलप होगा। क्यों होगा, कैसा है बता। अबे उसका रीजन समझो पहले, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन जाएगा। तो याद रखना जो कॉइल्स होते हैं ना ऐसे करके, ध्यान से देखना, अगर एक कॉइल है तो जो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड्स बनते हैं ना, तुम लोगों ने एप्लीकेशंस में पढ़ा भी होगा, मैंने पढ़ाया है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो ऐसा बनता है। समझ गए? नहीं समझे? तो ये कॉइल्स कैसा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आज शनिवार है, सॉरी वेंसडे, सॉरी ट्यूसडे, इसलिए छोड़ना भाई, देखना तुम लोग ध्यान देना, और भी कर सकते हैं। अब बोलेगी बोर्ड से बाहर क्यों नहीं लेके गए, कैमरा कैप्चर नहीं करा इसलिए लेके नहीं गए, छोड़ो। समझ में आया दीदी? क्या चीज नहीं, थोड़ा झटका लगेगा बस तुम संभाल लोगे। ए क्या, हाँ खुश नहीं होना अभी, देख बेटे शाम को खुश होना, कॉपी कंप्लीट करके पूरा पढ़ के आना, है ना, नहीं तो फिर दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा, बोलेगी कि अपशगुन टॉपिक है, फिर पढ़ नहीं पाएंगे ऐसे। ठीक, समझ में होगा क्या, प्रोसेस को समझो। जैसे स्विच को ऑन किया, जैसे स्विच को ऑन किया, ये ऑन हो गया, दिखा, जैसे ही ऑन हुआ थोड़ी देर के बाद डिफ्लेक्ट करना चालू किया। भाई डिफ्लेक्ट किया मतलब करंट फ्लो हो रहा होगा, और मैं देख रहा हूँ आइला आजू बाजू तो कुछ है ही नहीं, बैटरी नहीं, बिना बैटरी के डिफ्लेक्ट हो रहा, मतलब जादू। गांव जाना, गांव में एक बल्ब दिखाना गांव वालों को, और एक कॉइल रख देना ऐसे, बोला गांव वालों जल रहा है, नहीं जल रहा, देखो मैं जलाऊंगा, अकड़म बकड़म ऐसे कर देना, फिर मैग्नेट को ऐसे ला के ऐसे ऐसे कर देना, तो बल्ब जलना चालू हो जाएगा, जादू। बोला फिर बल्ब वाले बाबा ठीक है, फिर यहाँ पे एक बल्ब बांध देना ऐसे करके, कॉइल अपने चादर के अंदर रखना, ऐसे ऐसे करते रहना कॉइल को, बल्ब जलते रहेगा। अच्छा नहीं, मस्त हो गया कि नहीं हो गया? जैसे माही आई, बाबा मेरा रिजल्ट क्या होगा, तीन बल्ब लगा लेना, ग्रीन रेड और येलो, ग्रीन में कर देना बेटे, अरे ग्रीन जल गया मैं तो पास हो जाऊंगी, गुड गुड, बहुत बढ़िया, कर सकता तू ऐसा, ठीक है, खुश हो गया लड़का। हाँ क्या हो जाएगा, चलो देखो ये हो गया। तो जैसे इसमें करंट फ्लो होगा, जैसे इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा, तो ये अपने सराउंडिंग क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसमें से पास होना चालू हो जाएगा। देखा, होगा तो ऐसे भी, लेकिन इस साइड का हमारे पास यूज नहीं है, ट्रांसफार्मर में और इजिली पड़ोगे आप। तो जैसे इसमें से पास होगा तो क्या बनाना चालू किया, इसके फ्लक्स में चेंज होना चालू किया। अब इसके फ्लक्स में चेंज होना चालू किया तो क्या हो जाएगा, वहां पे इंड्यूस हो जाएगा ईएमएफ, और इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, इसमें इंड्यूस करंट बना देगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक, नहीं समझ में, इसको भी मैं जगह छोड़ देना, लिखवा दूंगा मैं, ठीक है, इसमें शायद प्रिंट नहीं हुआ तो इसलिए मैं लिखवा दूंगा, इसके इसको भी लिखना है, इसके प्रोसेस को भी लिखना है, प्रोसेस में यही आएगा। ठीक, समझ गया, नहीं समझा? हाँ तो मैं क्या बोला था, एग्जैक्ट स्ट्रेट नहीं बनता है, थोड़ी देर पहले अगर तो देखा होगा तो अपने, अच्छा हो तो पूछ ले बेटा, नहीं तो क्लेरिफिकेशन चला जाता है, लोग वीडियो को कट करके फिर लगा देते कि देखो गलत पढ़ाया करके, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो ऐसा नहीं रहता, देख देख मोड़ा हूँ यहाँ पे, दिखा नहीं दिखा, तो एग्जैक्टली वो स्ट्रेट नहीं रहता, यहाँ पे स्ट्रेट दिख रहा है लेकिन आगे चल के क्या होता हो, टर्न करता। क्यों पूछ, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो लूप, क्या बोलते हैं, क्लोज लूप बनाता है, ओपन लूप कभी नहीं बनाता, तो मतलब कहीं ना कहीं तो क्लोज होगा वो, समझ में, और जैसे ही पास होगा तो ये बना देगा। कितने लोगों को प्रोसेस समझ में आ गया, नहीं है,
जो यूट्यूब वोट्यूब में देखते हो ना, एक बहुत सारा कॉपर का वायर है, एक मैग्नेट को छोड़ते मैग्नेट स्पीड भागता है रैपिडली, ऐसा छोटा छोटा देखे होंगे आप बहुत सारा चीज़ें, बहुत एक्सपेरिमेंट। अपन भी चाहे तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अपन करेंगे शाम को, ठीक है? तुम आना चचमे, हाँ तो इस पर करेंगे, ठीक है? एक डायरेक्ट करंट इसको देंगे और तुम इंड्यूस करंट देखना, दोनों में से झटका किसको लगता है, ठीक? समझ में आ गया भाई? ओ भाई एक बात बता, करंट किसमें फ्लो किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस कर रहा हूं मैं, करंट किसमें फ्लो किए? इचमें उचमें नहीं बोलते हैं बेटे, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। क्या बोलते हैं इसको? बोल जोर से। इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। क्या बोलते हैं इसको? जोर से। हाँ, ये अकेली बस खा के आई है बेटा। नाश्ता कितने लोग किए? कितने लोग नाश्ता किए? कितने लोग नाश्ता किए? एक क्या खाई? दूसरा कहाँ पे? घर पे खा के आ गई? हाँ कसम, गुंडी है एक, सच में ना, गुंडों वाले सारे गुण हैं। चौक में जाके मोमोज खा के आती है और लोग लड़ते रहते हैं, मारना है, मारना मारना मारना, जितना जितना वो लड़ने वाली हिल नहीं रही थी उतना उस दिन ये हिल रही थी। पास हो जाके ऐसा बोले थी क्या, मारना मार, अब दे ही दे एक फाइट, फाइट दे ही दे। ये कितना गलत हो जाता है अगर एक फाइट मारती तो। ऐसा नहीं करते बेटे, पहले का समय और अभी का समय बहुत चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? तीसरी आँख सब देखता है। तीसरी आँख मतलब, हाँ, कैमरा हर किसी को बर्बाद कर। अभी देखे हो छोटे छोटे बच्चे लोग पुलिस वालों को चमका दे रहे हैं, अंकल आप ऐसा नहीं बोल सकता। मैं कहाँ बोला बेटा ऐसा, तुम बंद कर, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो तीसरी आँख, अगर तुम एक फाइट मारती ना, कितने यूट्यूबर वहीं पैदा हो जाते, कैमरा कहाँ कहाँ से खुल गया रहता, वीडियो कहाँ कहाँ से बन गया रहता। नहीं अभी जेल मटेरियल सबको चाहिए, वही तो इस देश का दुविधा है ना। अभी किसी का एक्सीडेंट हुआ था ना नोएडा वोएडा कहीं पे, किसी लड़की का स्कूटी से गिर गई थी, लोग उसको बचाने के बजाय उसके वीडियो बना रहे थे कंटेंट के लिए। ये यही तो दुविधा है इस देश का भी। हाँ, अब तू भी कुछ बता, तू भी कुछ बताओ, यही चलेगा। मैं बंद करता हूँ, यहाँ बैठता हूँ, सुनते हैं मस्त, इसी के लिए एक्स्ट्रा क्लास बुलाया हूँ वहाँ कसम, ठीक है? कुछ बोल रहा था, सुन अच्छे से। करंट किस में फ्लो हुआ? वो बोलेगा, पापा डांटे उसको, ठीक। करंट किस में फ्लो हुआ? मैग्नेटिक फील्ड किस में बना? पागल औरत, फर्स्ट में ही बना, मैग्नेटिक फ्लक्स बना। नहीं समझ में आया? यही चीज याद रखना, इससे मैं बहुत सारा क्वेश्चंस कभी बताऊंगा आप लोगों को। फिर से, करंट किसमें फ्लो हुआ? मैग्नेटिक फील्ड किसमें बना? फ्लक्स किसमें बना? क्यों पता चल गया ना? अबे पता चला कि नहीं चला? ये सड़ा आदमी, ये ऐसे ऐसे गया मैग्नेटिक लाइंस, तो पास किसमें हो रहा है? कौन से कॉइल में? तो फ्लक्स किसमें बनेगा? फर्स्ट में। तो जिसमें पास हो उसी में ना बनेगा। बोलता कैसे बोलता, समझ में आ गया? फिर से, करंट किसमें फ्लो हुआ? सेकेंडरी में। मान लो करंट किस में फ्लो हुआ? मैग्नेटिक फील्ड किस में बना? फ्लक्स किस में बना? बस लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी उड़ा दोगे तुम लोग, समझ में आ गया तुम लोगों को। अब इसका भी म्यूचुअल इंडक्शन का भी क्या होता है, जो फाई बन रहा है, फाई किस में बन रहा है? करंट किस में फ्लो हो रहा है? तो ये याद रखना, द फ्लक्स इंड्यूस्ड बाय सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिस थ्रू प्राइमरी कॉइल। नहीं समझे? हाँ बोल, मैं क्या बोल लूंगा, कितने लोग लिख, दीदी इसका मतलब लिखना है यहाँ पे, वो फिर से छोड़ के आ जाएगी, ठीक है? उसमें सब चीज प्राइमरी था, उसमें एक ही कॉइल था, उसमें खुद पैदा कर रहा था, ये क्या कर रहा है? म्यूचुअल पैदा कर रहा, मतलब म्यूचुअली पैदा कर रहा उसमें। बात समझ में आ गया? डाउट है कहीं पे? तो इसको हटाने के लिए भाई, इसको हटाने के लिए मैं एम लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? एम इज, क्योंकि ये अरे म्यूचुअल इंडक्शन का एम है, म्यूचुअल इंडक्शन का एम है, उसको गुस्सा नहीं होता है। क्या बोल दिया बे? म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है? इसका अगर यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट वही होगा, एम इज इक्वल टू फाइव बाई आई। फाई का होता है बेबर, क्या होता है?
करंट का होता है एम्पियर, और ये वही हो गया बेटे हेनरी, क्या हो गया, वन हेनरी इज इक्वल टू, याद कर रखो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। वाह बेटे, बूढ़ा तालाब पढ़ती नहीं है ये, तू था कि नहीं था बता, एम्पियर स्क्वायर था कि नहीं था, बहन अरे दीदी कैसा बात करती है यार, देखो ए वो फ्लक्स का देख रही थी, समझ में माही नहीं आही, डायमेंशनल फॉर्म में लिखी ए माही, याद रख लो ठीक है, सेम ही रहता है ठीक। ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं था, टास्क अब स्टार्ट होगा। हाँ क्या ये रे क्या कर रही है, ठीक है समझ में आ गया। अरे ये तो उसको लिखना था ना इसके बारे में, दीदी डायग्राम बनाना है, बटरफ्लाई बनाना है, ये माँ कसम तो बटरफ्लाई दिख नहीं रहा तेरे को, ठीक है इसको भी बनाना है, इसको बनाना है, इसको बनाना है, और पेज छोड़ना, कितना छोड़ना है, आधा पे छोड़ देना क्योंकि लिखवाना बहुत सारा चीज है, ठीक है। लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी बता रहा हूं ना बे, छी देखो नहीं कहा कर तो नहीं नहीं अच्छा बोली, इतना सारा लिख के नहीं लाना है, पढ़ के भी आना है, बोल क्या बोल रहा है, सुनना भाई। तो कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर टू लॉन्ग सोलेनोइड, अब अच्छे समझना, एक बार में समझ में आएगा, मजा आ जाएगा टॉपिक है। हम क्या करते हैं, यहां पे दो सोलेनोइड लेते हैं ऐसे, हम ये मान लेते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, ठीक, ये एक सोलेनोइड था, अब ये एक सोलेनोइड आ रहा है ऐसे, नहीं समझ में आया, मतलब एक सोलेनोइड के अंदर दूसरा सोलेनोइड है, होगा क्या, मैं एक में करंट को फ्लो करूंगा तो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, अब वो मैग्नेटिक फील्ड किसमें से पास होगा, जो उसके अंदर दूसरा वाला है, तो उसकी क्या होगा, फ्लक्स में चेंज होगा, क्या कैसे पता चला तेरे को तुरंत पास हो जाएगा, कैसे पता चला तेरे को तुरंत पास हो जाएगा भैया, ओ इसका दिमाग, दिमाग थोड़ी दीदी कैसा करती है, कसम खा के आई थी क्या, भाई का बदला लूंगी करके है, चलो दीदी थोड़ा सा कंट्रोल, नहीं तो भाई हो जाएगा आउट ऑफ कंट्रोल, इसमें करंट फ्लो रहा, ये फर्स्ट है, ये क्या चल रहा है फर्स्ट, और ये क्या चल रहा है सेकंड, सेकंड दोनों का लेंथ को मैं अज्यूम कर लेता हूँ एक जैसा लेंथ है, और दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया भी हम क्या मान लेते हैं ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि इंटरचेंज है, बात समझ में आ गया, तो समझ लो, तो इसको लिखना भी बहुत जरूरी है, लेट अस कंसीडर टू कोएक्सियल, कोएक्सियल मतलब एक ही एक्सिस में, ठीक है कोएक्सियल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं कोएक्सियल लॉन्ग आइडियल सोलेनोइड प्लेस्ड एट एनी पॉइंट, आप प्लेस बस लिख देना ठीक है, द नंबर ऑफ टर्न्स, द नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल एन,
ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड इज स्मॉल एल, एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया इज कैपिटल ए. दो केस बनाएंगे, पहले करंट फर्स्ट में पास करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड किस में बनेगा फिर, पागल फर्स्ट में बनेगा, फ्लक्स इसमें बनेगा, बस यही चीजें याद रखना. ठीक, केस फर्स्ट, इफ आई करंट पासिंग थ्रू फर्स्ट कॉइल और सोलेनोइड, देन द मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड एट द सेम सोलेनोइड, कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये हो जाएगा B इज इक्वल टू फर्स्ट में ही बनेगा म्यू नॉट होगा, N होगा और ये कितना हो गया I. मान लेते हैं इसका नंबर ऑफ टर्न्स कितना चल रहा है, N1 मान लिया, थोड़ा कम ज़्यादा मान लेते हैं, कम ज़्यादा होगा या फिर यहाँ पे अपन करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पे कहीं भी डाउट है. अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे, फ्लक्स बनाएंगे, तो फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड बन गया, तो फ्लक्स किस में बन रहा है, देन द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड एट सेकेंड कॉइल कितना हो रहा है, सेकेंड कॉइल और सोलेनोइड, तो फ्लक्स सेकेंड में बन रहा है किसके कारण, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, किसका, जिसमें फ्लो होता उसका नंबर ऑफ टर्न्स, तो किसका हो जाएगा ये, एन टू का, बात समझ में आ गया. और इसके साथ क्या था, बी किसमें बना था, दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया क्या मान लिए, इसका नंबर ऑफ टर्न्स एन वन ले लेना और इसका नंबर ऑफ टर्न्स कितना ले लेना, एन टू, लेकिन दोनों का लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, सेम. ठीक, डाउट है, ओ भाई डाउट है कहीं पे, तो समझ में आ गया यहां तक, यार एन टू को मैं रिप्लेस कर सकता हूं किससे, एन टू एल, तो फाइव टू इज इक्वल टू कितना हो गया, एन टू एल, बी का वैल्यू कितना, म्यू नॉट एन वन आई होगा, ए का वैल्यू यही रहने दो, थोड़ा सा बैलेंस कर देता हूं इसको मैं, म्यू नॉट एन वन एन टू एल आई ए, यहां तक कितने लोगों को समझ में आ गया, नहीं आया समझ में, म्यूचुअल इंडक्शन के लिए फार्मूला क्या था, फाइ इज इक्वल टू एम आई, तो जो इंडक्शन बन रहा किस में बन रहा, सेकेंड में बन रहा, देन द म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, फाइ इज इक्वल टू एम आई, तो एम इज इक्वल टू क्या होगा, फाइ बाई आई, फाइ किसका, सेकेंड का, करंट तो वही है, म्यूचुअल इंडक्शन भी किसका होगा, सेकेंड का होगा, नहीं समझ में, फाइ टू कैसे लिए बताओ उसको, माही जोर से बोल, बोल रहे अंकित उसको, बे बोलना, कौन वो नहीं समझा, पागल आदमी, फाइ इज इक्वल टू एन बी ए नहीं होता है क्या, फ्लक्स, इसीलिए मैं बोला था पढ़ के आना, फ्लक्स का डेफिनेशन है वो, ऐसे लिए, हाथ से लिए, मां का गोफ दूंगा भाई, फ्लक्स फर्स्ट में बन रहा है सेकंड में बन रहा है, हाँ तो सेकंड लूंगा ना,
तो फाइव इज इक्वल टू एन बी ए होता है, तो जिसका फ्लक्स उसका नंबर, भाई कितना फ्लक्स बनेगा जितना उसमें नंबर होंगे, है ना। अरे तीन राउंड होंगे तो तीनों में फ्लक्स बनेगा, चार राउंड होंगे तो चार में फ्लक्स बनाएगा, तो ये होगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा था, फर्स्ट वाला बना रहा था। क्या कंसिडर्ड है कि दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है? नहीं आया समझ में, समझा दे अपने भाई को, घर नहीं पहुंच पाएगा, समझ में आया, घर नहीं पहुंच पाएगा, रास्ते से उठवा देंगे उसको, ऐसा ये बोल रही है। क्या बात करी, क्या चीज है, उसको पता नहीं है वो पावर। बड़े बड़े डॉक्टर खरीदने के लिए तैयार, एक हाथों हाथ खरीदने के लिए तैयार है इसको, पूछो क्यों। जिसका ब्लड प्रेशर कम ज्यादा इस केबिन में भेज दो, बंदे का एकदम ब्लास्ट हो जाएगा। केस टू, अब किस में आ रहे, केस टू। अब क्या चल रहा था, केस वन में आई करंट पासेस थ्रू किस में था, अब क्या लिखूंगा, आई करंट पासिंग थ्रू सेकेंड कॉइल, सेकेंड सोलेनोइड। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा, जिस कौन फर्स्ट बोला, बहन को भी समझे, एक और बहन पैदा हो गई तेरी बेटा, हाँ ठीक है। B इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट एन टू आई, ए चुप ए, वो फ्लक्स में आता रे पगली। ज्यादा पढ़ लिए क्या फ्लक्स, ये संडे का कोटा आज कंप्लीट हो रहा, सोचो दो क्लास पीछे चल रहे हैं, कल भी पढ़े होते कुछ, अभी कुछ और पढ़े होते हैं। मेरी वो गलती नहीं थी, क्लास चालू होती माँ का स्वाहा किया था ये, चलो देन द फ्लक्स इंड्यूस्ड एट फर्स्ट कॉइल और सोलेनोइड, याद रखना ठीक है माही। तो बता माही क्या होगा फ्लक्स, फाइव वन जल्दी जल्दी बोल, एन वन होगा उसी के नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड फाइव वन, एन का वैल्यू कितना था, इसका वैल्यू और साथ में ए, नहीं आ रहे फाइव वन, क्या होगा म्यू नॉट एन वन एन टू एल आई ए, क्या निकल गया, फ्लक्स आ गया। तो म्यूचुअल इंडक्शन का फार्मूला क्या था, एम वन फाइव वन बाई क्या होगा आई। कितने लोगों को लगता है डेरिवेशन में देख के बना लूं, मतलब बिना देखे बना लूंगे, ये भगवान दास एम वन का वैल्यू, खामोश खामोश, एक क्वेश्चन अब इसका भी कुछ डाउट जाएगा, बोल बे क्या बोल रहा है, हाँ नीचे वाला वन है कि टू है बेटे, नीचे वाला टू है, अबे अंद्रा कुमार फर्स्ट नहीं लिखा है, सेकंड नहीं लिखा है, समझ में आ गया। अब ये निकाल लिए हम लोग, अब इक्वेशन नंबर इसको देखो, वन को याद करो क्या लिखा राइट साइड में, म्यू नॉट एन वन एन टू एल ए था, इक्वेशन नंबर टू को देखो सेम है, तो इसी को बोलते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू। ये कहाँ भटक रही है वे, दोनों का एल एच एस सेम है ना, तो दोनों का आर एच एस भी क्या होगा, इस सेम होगा, मतलब इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ठीक है प्रॉस्पेरिटी समझ, रेसिप्रोसिटी, लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी, इसे क्या बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी, छापिंग, समझ गए, और बताओ।